अभी नहीं लगा दी। तो आप इस प्रकार से दो भी मेंटेन कर सकते हैं। और इसको हमने बनाना कैसे है, तो उसमें मैं कुछ हमारे डायरेक्ट सेलर्स की सहायता भी लेना चाहूँगा। मोनालिसा जी और अपूर्व हमारे बीच में होंगे, वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मॉर्निंग सेशन से भी जुड़े हुए हैं और इवनिंग सेशन में भी काम करते हैं। उनके पास में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी हम लोग लेंगे। और लेकिन मैं मोनालिसा जी को माइक हैंड ओवर करूँ, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो मैं समझा हूँ। इसमें सबसे पहले हमने उद्देश्य लिखने हैं। उद्देश्यों उद्देश्य अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये गोल्स ही हैं। जो हम गोल्स की बात करते हैं, हमारे 8 कोर स्टेप में सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल्स। गोल और लक्ष्यों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग वही चीज़ है। लक्ष्य थोड़ा सा एक बहुत वाइड हो जाता है, सॉरी उद्देश्य थोड़े वाइड हो जाते हैं, लक्ष्य थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, बस इतना सा अंतर है इन दोनों में। और सबसे पहले लक्ष्य लिखने, तो जैसे आप डायरी की शुरुआत करेंगे, एक दो पेज छोड़ के आप सबसे पहले आप अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, उद्देश्य या गोल्स लिख सकते हैं। और जब आप लक्ष्य या गोल्स लिखेंगे, उसके बाद में आप कम से कम 5 पेज आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपके चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। आप 10 पेज भी छोड़ सकते हैं, 10 पेज छोड़िए, उद्देश्य लिखे, अभी जो आपके उद्देश्य हैं या गोल्स हैं वो लिखिए पहले। मान लेते हैं 4 आपने लिखे हैं, उसके बाद में 10 पेज आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमने लिखने हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए काम क्या करने हैं। उन कामों को हमने, वो हमें याद रहे, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए सर ने एक बड़ा प्रचलित शब्द लिया है, और वो शब्द है अलार्म। अलार्म आजकल मोबाइल में भी आ गया है, लोग अपना जब कैलेंडर बनाते हैं उसमें अलार्म सेट कर देते हैं। तो ये एक फिजिकल अलार्म है आपका, जो आपकी कॉपी में रहेगा। आपकी काम की शुरुआत ये बनने के बाद में, आप दिन की शुरुआत करेंगे ना, सबसे पहले आप अपनी डायरी उठाएंगे और वो डायरी क्या कहती है उसको फॉलो करेंगे। अगर आप अपनी डायरी के गुलाम हो जाते हैं, अपने शेड्यूल के गुलाम हो जाते हैं, तो फिर जिंदगी में जो आप चाहें वो पा सकते हैं। और अगर आप अपने शेड्यूल को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, तो फिर आप जिंदगी बहुत संघर्षों वाली जीते हैं। तो ये जो अलार्म डायरी है, ये उसी प्रकार का शेड्यूल का एक बहुत एकदम सुधरा हुआ रूप है, ये हम लोग कह सकते हैं इस चीज को। तो अब उसमें सर ने हमें 5 अलार्म बताए हैं पहले। 5 अलार्म आपने अगर नहीं लिखे हैं, तो पहले टाइप्स ऑफ अलार्म्स लिख के, टाइप्स ऑफ अलार्म में पहला अलार्म है, उसी इसी क्रम में लिखे इनको, सीखने के अलार्म। दूसरा अलार्म है सेलिंग के अलार्म, सेलिंग यानी बिक्री के अलार्म। तीसरा है फॉलो अप के अलार्म। चौथा है ग्रोथ के अलार्म। पांचवा है WWQ, वंडर वर्ल्ड क्विक के अलार्म। तो 5 कैटेगरीज में इसको हमने बांटना है। शुरुआत में जब आप अपने अलार्म बनाएंगे, अलार्म में एक्टिविटीज बनाएंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, कि ये सीखने वाले में आएगा या सेलिंग वाले में आएगा या फॉलो अप में जाएगा या ग्रोथ में जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, वो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी होनी चाहिए, उस एक्टिविटी से रिजल्ट आएगा। वो कहाँ पे अभी जा रही है, कहाँ होनी चाहिए, वो धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोनालिसा जी हमारे बीच में हैं, जो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं मॉर्निंग के सेशन का, 6:30 बजे जो स्टार्ट होता है। और उसमें चूंकि सफलता के अलार्म बहुत पहले आ गया था, संकल्प आ गया था, फिर उसका रूप बदल के कहीं ना कहीं सफलता के अलार्म आ गया है। तो मोनालिसा जी आप एक बार गाइड करें कि किस प्रकार से हमें ये डायरी बनानी चाहिए, और इसमें और जो भी साथी हैं, जो स्पेशली जिन्होंने डायरी बनाई हुई है और उनको लगता है उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी है, पहले उन साथियों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद में कुछ साथियों ने जो पहली बार बनाई है उसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। ओवर टू यू मोनालिसा जी। थैंक यू सो मच सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जय आरसीएम। संकल्प डायरी, ये मेरा डायरी है, ये 3 नंबर डायरी है। आगे वाले डायरी मैंने राफी यूज कर लिए हैं, तो ये मेरा अभी तक का प्रेस डायरी है। हाल ही में मैंने भिलवाड़ा गए थे, तो
ये डायरी मैं लिख के, शायद दिखाई दे रहा है, ये लिख के मैं लेके गई थी सर के पास। तो 2 घंटा का सेशन सर के साथ रहा, स्पेशल मोमेंट सर के साथ। तो बहुत कुछ इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। मेरा जो डायरी था, सर ने खुद उसको परिवर्तित करा दिया है। तो मैं उसके ऊपर बातचीत करूं सर? जी सर। हाँ जी, प्लीज तो सर प्लीज प्लीज जी, जी। तो उद्देश्य अलग पेज, जैसे रिस्पेक्टेड बच्चा भी बोले हैं कि उद्देश्य हम लोग अलग से लिखेंगे, और सीखने की अलार्म में कुछ पॉइंट है, सेलिंग के पॉइंट में कुछ है। ये पॉइंट आ रहा है मेरा 35 पुराने संकल्प से सर ने छांट के इसमें लिखने के लिए बोले थे। जैसे उदाहरण के तरफ से मैं जो लिखी हूँ वो बोल रही हूँ, सीखने के अलार्म में मैं पहले उद्देश्य बोलती हूँ। उद्देश्य में मेरा है मंथली बुक रीडिंग 7 आवर्स। तो ये 7 घंटा जो बुक रीडिंग्स है, इसको मैंने अभी डेली शेड्यूल में मुझे लेके आना है सीखने के अलार्म में। तो मेरा टाइम जो भाग हो रहा है वो हो रहा है 20 मिनट से ज्यादा मैं बुक रीडिंग करूंगी डेली। ये हो गया पहला। और इसको अभी हम लोग टेक्निकल अचीवर हैं, तो गुरुदेव का कहना है खुद काम करना अभी नहीं है, काम टीम को कराना भी है। तो हर एक संकल्प के नीचे वो भी लिखा हुआ है, जैसे मेरा लिखा है मैं डेली 20 मिनट से ज्यादा बुक रीडिंग करूंगी एवं उस रिगार्डिंग दो साथी से बात करूं डेली, जो किताब में मैंने पढ़ा है। दो नंबर उद्देश्य जो मेरा है हाँ मंथ। मोनालिसा जी, एक काम करते हैं हम लोग, इस मीटिंग को है ना हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। सुजीत सर, आप इसको अपने उसमें रिकॉर्डिंग में कर लीजिए अपने आपके लैपटॉप में, ताकि ये सेव रहेगा, तो फ्यूचर में ये हमें हेल्प कर सकता है। हाँ मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है मंजीत जी, प्लीज 1 मिनट स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग। प्रोग्रेस। यस यस मौजूद। यस, जी आप सर। शुरुआत से एक बार बताएं मोनालिसा जी प्लीज। जी सर। उद्देश्य में मेरा है पहला मंथली बुक रीडिंग में 7 आवर्स करूंगी, 7 घंटा, जिसको मैंने डिवाइड किया है डेली बेसिस में, और 20 डेज मैंने किया है, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन में फील्ड में रहूं या कुछ हो जाए अचानक, ताकि वो बैकअप के लिए मैंने 20 डेज को ही डिवाइड किए हैं, जो 20 मिनट्स तक आ रहा है। और ये मैंने लिखा है मैं डेली 20 मिनट से ज्यादा बुक रीडिंग करूंगी पूरी डेज 20 डेज, उस रिगार्डिंग मैं दो साथी से बात करूं पहला। दो नंबर उद्देश्य है मंथली प्रोडक्ट वीडियो मैं 15 घंटा देखूंगी, जिसका मैं पर्टिकुलर भाग जो डेली बेसिस में किए हैं उसको मैंने किए हैं कि डेली 30 से 40 मिनट से ज्यादा, क्योंकि सर का कहना यह भी था कि कम से कम शब्द में, माइंड में कम शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सर बोल रहे थे मैंने किताब में थोड़ा ये कर दिए हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लिखो, इस ढंग से लिखो ताकि माइंड में नेगेटिव ना जाए। तो मैंने सारा कुछ चेंज करके ज्यादा से ज्यादा शब्द डाल दिए हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो मैं देखूंगी, और टीम को उस वीडियो के रिगार्डिंग की वर्ड वो मैं शेयर करूंगी, कुछ क्या स्पेशल बात है। और यूएस प्रोग्राम मैं 5 देखूंगी हफ्ते में, और टीम से भी 5 से ज्यादा साथी को आमंत्रित करूंगी। ये हो गया, ये दोनों मेरा उद्देश्यों के कवर कर रहे हैं। साथ में सीखने के अलार्म में और भी मेरा है कि मॉर्निंग सेशन कार्यशाला में मैं खुद आऊंगी और दो साथी को बताऊंगी, और डेली एक साथी को इसका जो क्या लिखा है, साथी को आमंत्रण करूंगी, मतलब सुबह प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आमंत्रण करूंगी। उद्देश्य में मेरा 3 नंबर पॉइंट है मैं मंथली सेल 25,000 पीवी करूंगी, और मंथली 2 डायमंड क्लब मेरे टीम से बनाऊंगी। उद्देश्य में मेरा 4 नंबर है, पहले उद्देश्य डायरेक्ट ही पढ़ लेती हूँ। पीक्यूसी कोर्स में इस महीना मैं 5 साथी को नया लेके आऊंगी, मिनिमम पकड़े हैं सर इसको, इससे ज्यादा ही होता है। पीक्यूसी ओल्ड साथी से 1 लाख पीवी एक्स्ट्रा कराऊंगी, जो पीक्यूसी ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे टीम से 40 साथी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 100 टर्मिनेट साथी को इसी महीना मैं एक्टिव करूंगी। 2 पीक्यूसी 2 WWQ के में सेलिंग 20% एक्स्ट्रा करूंगी इस महीना। और जो अल्टीमेट गोल है वो है 1 करोड़ पीवी 2024 तक, मार्च तक मेरा हो जाएगा, ये अल्टीमेट गोल है। इसके रिगार्डिंग मंथली बेसिस में फिर भाग होगा।
तो सीखने के अलार्म मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि मेरे डेली 20 मिनट से ज्यादा बुक रीडिंग होगा, उस रिगार्डिंग मैं दो साथी से बात करूंगी, मॉर्निंग में कार्यशाला में मैं खुद आऊंगी, उस रिगार्डिंग दो साथी से बात करूंगी और डेली एक साथी को आमंत्रण करूंगी। मोनालिसा जी, इसको इसको हम थोड़ा सा एक एक पार्ट में करते हैं। एक बार सबसे पहले हम देखते हैं, आपने सबसे पहला हमारा है सीखने के अलार्म। सर सीखने के अलार्म से संबंधित आपके उद्देश्य, दो उद्देश्य बताओ कोई जो आपने लिखे हैं। दो उद्देश्य, एक है सर मैं बुक रीडिंग करूंगी 7 आवर्स, ठीक है और लिखूं मंथली प्रोडक्ट वीडियो 15 घंटा मैं देखूंगी। ठीक है, दो उद्देश्य आपने लिखे। अब इन जी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने अलार्म सेट किए हैं, जी दो। वो अलार्म क्या है, कितने अलार्म हैं इनको, ताकि ये पूरे हों आपके उद्देश्य। एक तो 20 मिनट से ज्यादा बुक रीडिंग, ये हुआ है एक ठीक है, ठीक संकल्प अलार्म के डायरी में, और एक हुआ है 40 मिनट से ज्यादा वीडियो, और साथ में यूएस प्रोग्राम हफ्ते में 5। है, ये हो गया। तो इसमें इसमें सभी साथी ये समझें कि जैसे सीखने के अलार्म आपने क्यों करने हैं, उसके लिए आपको उद्देश्य पहले बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो आपने मोनालिसा जी, जो जी सर आपने उद्देश्य बनाया कि आप महीने में बुक पढ़ेंगी कितने, 7 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है कि आप महीने में 7 घंटे बुक क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये बुक्स जो है सर ये खुद को बिल्डअप करने के लिए, मतलब जैसे मेरा बुक्स में आता है आपका आप म्यूट हो गए हैं। सर अभी ठीक है? हाँ फोन हाँ आ गया। हाँ हाँ जी जी जैसे आपके किताब है सर वो वाला मतलब रीड करती हूँ, जीत आपकी रीड करती हूँ, इस तरीके से जो मोटिवेशन जो रीड जी करना सर मेरा प्रश्न ये है, क्यों आप किताब पढ़ क्यों रहे हो। ताकि और खुद को शार्प कर सकूँ, अच्छा, कुछ कुछ स्टोरी वाला भी पढ़ती हूँ ताकि कुछ फील्ड में जाके स्टोरी भी कहे मतलब बोल पाऊँ। राइट। जब भी हम लोग कोई गोल बनाते हैं ना, तो गोल के अंदर क्या गोल है और उसके अंदर क्या है, उसकी डीप में अगर हम जाएंगे तो कोई एक बहुत बारीक चीज नजर आएगी, और वो बारीक चीज एक इमोशन होगा, और वो इमोशन हमारा किसी गोल से अगर कनेक्ट हो जाता है तो उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो हम थोड़ा उसी डेप्थ में जाते हैं सभी साथ। देखिए, हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और सबने आपने रिलेट करना है। जैसे किसी का एक उद्देश्य हो सकता है कि मैंने आरसीएम से कार खरीदनी है, या मैंने अपनी टीम में 10 लोगों को रॉयल्टी पे लेके जाना है, तो वो क्यों आप ऐसा चाहते हैं, उसकी डीप में आप जरूर जाएं, अपने आप से पूछें मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आया। तो जैसे आप 7 घंटे किताब पढ़ना चाहती हैं, तो क्यों चाहती हैं आप, एक बार उसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं तो आप दोबारा से बताएं आप मोनिला सर, क्यों 7 घंटे तीन महीने में किताब पढ़ना चाहते हैं। चार बुक पढ़ती हूँ सर, जैसे हमारा जो कुछ कोई गोल, कोई कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट रिलेटेड बुक जब पढ़ रही हूँ तो प्रोडक्ट का और भी डीपली नॉलेज, योमिनी का जैसे डीपली नॉलेज लेने के लिए मेरा पास किताब है उसको मैं रीड करती हूँ, कुछ कुछ आयुर्वेदिक किताब पढ़ती हूँ ताकि हमका न्यूट्रिशन जब सेल कर रहे हैं या हम लोगों का जो मोरिंगा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो और भी बारीकी से वो बता सकती हूँ इसके तो इस रिगार्डिंग। हाँ इसमें ये हुआ, जो आप हेल्थ से प्रोडक्ट से रिलेटेड किताब पढ़ रहे हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य ये है कि आप इतना प्रभावी तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं कि आपकी बात को सुन के कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट ले ले, या आप इतनी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं ताकि आप अपनी टीम में इस प्रकार के प्रोडक्ट के एक्सपर्ट आप बना सकें। तो आप ऐसा सर क्यों करना चाहते हैं, आप शायद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन लाना चाहते हैं कि आपके बिना भी लोग काम करते चले जाएं। तो ये आपका एक और मतलब छुपा हुआ गोल ये है कि आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन लाना चाहते हैं, इसलिए खुद सीख रहे हैं फिर लोगों को सिखाएंगे। तो अब जो दूसरी किताब आप पढ़ रहे हैं, जैसे जीत आपकी पढ़ रहे हैं, या इस प्रकार की जो किताब पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं। वो तो खुद अच्छा लीडर बनने के लिए सर। अच्छा, खुद अच्छा लीडर बनने के लिए, वो कैसे हेल्प करेगी आपको।
जब फील्ड में जाती हूँ तो इस रिगार्डिंग बात करना है। कुछ कुछ किताब ऐसे भी पढ़ती हूँ कि ताकि उसमें, जैसे आपका वाला जो किताब है, बहुत सारे स्पीकर ने बता चुके हैं, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं सर, तो उसपे ये पता चलता है कि करंट सिनेरियो क्या हो रहा है। तो वीडियो देखना एक बार, जो चैट विद स्टूडेंट बस वीडियो भी है उसका ही तो लिखित किए हुए ना डिटेल्स में, तो वो पढ़ लेती हूँ, तो पढ़ा हुआ बात मतलब बहुत दिन तक याद भी रह जाता है। वो नोट डाउन करती हूँ, फिर उसको फोटो खींच के टीम में सर्कुलेट करती हूँ, या कोई मीटिंग में जाती हूँ तो वही किताब लेके दिखाती हूँ कि इसको आप रीड करो, मुझे ये अच्छा लगा है, इस तो तरीके का। आपको किताब इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो आपके अंदर में नई नई चीजें आपको मिलेंगी, तो आप फील्ड में उनको बता पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज ये बताती है कि आप एक अच्छी वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छी स्पीकर बनना चाहते हैं, इसलिए आप किताब पढ़ रहे हैं। यस सर, और कहीं ना कहीं आप अच्छी स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं, उसमें अगर मैं एक और प्रश्न पूछूं, आप क्यों बनना चाहते हैं अच्छे स्पीकर? रोल मॉडल बनना है सर सबके लिए। और स्पीकर जो है, आज स्पीकर का ही जमाना चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्पीकर ही है, जो बेस्ट स्पीकर है वही बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, गुड। तो कोई आपका कोई इमोशन ऐसा कनेक्ट हो रहा है इससे कि स्पीकर बनने से आप किसी को दिखाना चाहते हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, किसी ने आपको ऐसे बोल दिया हो, तो जब आप स्पीकर बन जाएंगे उसके सामने बात करना चाहते हो, वैसा ऐसा कोई नहीं है कनेक्शन, सर। ऐसी कोई चीज, या कभी आपको स्टेज पे किसी ने मौका नहीं दिया हो, आपको लगा हो कि मैंने अच्छा कुछ अचीवमेंट करके मुझे आना है, तो वैसी कोई घटना आपको ध्यान में आ रही है? हाँ, कुछ तो करना है सर, नौकरी छोड़ दिए हैं, हाउसवाइफ है, तो इसका तकमा तो छोड़ना है ना सर, बिजनेस वुमन बनना है। ये तो अंदरूनी एक चाहत है कि बिजनेस वुमन बनना है, अपने पैर पे खुद खड़े होना है, हाँ, अपूर्व को साइड में रखे। तो देखिए हमें उसी गहराई तक जाना पड़ेगा, उसी अनकॉन्शियस को हमें देखना पड़ेगा जो चीज हमें ये काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। और वो अगर हमें मालूम चल गई कि रियल चीज वो है, और वो अगर हमें याद रही, उसको अगर हम लोग बार बार याद रखेंगे और लिख लेंगे कहीं पे अपने उद्देश्यों में, तो फिर उससे हमें एक अलग तरह की एनर्जी मिलेगी। जैसे मैं शायद रिलेट करवा पाऊँ आपको अपनी कहानी से, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हैं कि आरसी बिजनेस में मुझे बहुत अच्छी इनकम आती है, और ये बहुत अच्छी इनकम क्यों आई, इसके पीछे एक बड़ा एक एक मतलब दर्द भरी कहानी है इसके पीछे। तो वहाँ से मेरा इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ, और वो दर्द भरी कहानी ये है कि मैं 26-27 साल की उम्र थी मेरी, तब मैंने अपनी मदर को खो दिया था, वो एक्सपायर हो गए थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, और हम उनका इलाज नहीं करवा पाए, घर पे पैसे नहीं थे। तो उस समय मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया था कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा होना चाहिए ज़िंदगी में। और उसके कुछ समय के बाद मुझे आरसीएम मिला, आरसीएम से जब मैंने देखा कि लोग यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है, फिर मैंने पूरी जान यहाँ पर लगा दी। तो पूरी जान मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे पैसे की इम्पोर्टेंस मालूम चल गई थी, घटना ने मुझे सिखा दिया था कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। तो वो चीज़ रिलेट करती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही जो भी हमारे उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों में अगर हमारा कोई इमोशन कनेक्ट कर रहा है, तो वो जबरदस्त ऊर्जा उससे निर्माण होती है, और वो ऊर्जा फिर हमें दिन में रात में थकने नहीं देती, सोने नहीं देती। पीसी सर अगर हमारे साथ में इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी इमोशंस हैं, उनकी एनर्जी है, जो उनको हिंदुस्तान की तस्वीर उनको दिखाई देती है, उनको दिखाई देता है कि आरसीएम के हर डायरेक्ट सेलर के घर में पैसा हो, खुशहाली हो, अच्छे संबंध हो, वो उनको दिखाई देती है। उसकी वजह से वो न खुद सोते हैं, न हमें सोने देते हैं, और इसलिए सुबह आ जाते हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इमोशन है कहीं ना कहीं कनेक्ट, तो वैसे ही इमोशन हमें करने पड़ेंगे, उसको निकालना पड़ेगा। तो ठीक है मोनालिसा जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी सर, सीखने के अलार्म आपने बता दिए, उसके बाद में आपने उसकी एक्टिविटीज बता दी, जी अभी सर, हम जी सेलिंग के सर, अलार्म की बातचीत करते हैं। जी देखिए सर, सीखने किताब किसी से भी हम ना लोग लेंगे ना सर, इस वाले है? किताब को भी हम लोग लेंगे ना सर। तो मैंने रिस्पेक्टेड अवधेश सर आज सुबह मुझे टास्क दिया था कि ये जो, क्योंकि ये किताब सबके पास है सर, और सहज भी हो जाएगा,
बावन पॉइंट है, इस बावन पॉइंट को भी हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे जोनल में, तो भी सबके पास हो जाएगा सर। जैसे कि पांच नंबर पॉइंट जो है, प्रतिदिन एनसीसी कोर्स हम देखूंगी, ये है सीखने की अलार्म, है सीखने की अलार्म। छह नंबर पॉइंट भी है सीखने की अलार्म सर, पेज नंबर है 20 से लेके 24 तक, राइट। यस, पांच नंबर अलार्म जो है वो भी सीखने की अलार्म है, छह नंबर भी सीखने की है, सात नंबर भी सीखने की है, आठ नंबर भी सीखने की है। फिर हम लोग जाते हैं सीखने की अलार्म, 19 नंबर पॉइंट भी सीखने की है, 20 नंबर पॉइंट भी सीखने की है। मोनालिसा जी, हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल देखते हैं, कुछ लोगों के पास में शायद बुक नहीं होगी सर, तो इसमें एक चीज तो ये हुआ, पहले हम ये समझें कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सेम हो। मोनालिसा जी के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हो सकता है हमारे उस प्रकार के उद्देश्य नहीं हो, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है सीखने के आपके उद्देश्य क्या क्या हैं वो उद्देश्य आप लिखिए। आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, एक नॉलेजेबल लीडर बनना चाहते हैं, जो भी आपको आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपको इमराल्ड जाना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि आपको और मान सम्मान मिले तो वो शायद सीखने से आ सकता है, तो वो सारे के सारे आप अपने अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अत्री सर का एक बार हैंड रेज मैंने देखा था, अत्री सर को एक बार हम लोग अत्री सर का डायरेक्शन एक बार लेते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मोनालिसा जी जो बता रही थी उसमें एक पॉइंट में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि डेली बुक रीडिंग, तो जैसा टीसी सर गाइड कर रहे हैं, बुक रीडिंग सीखने के अलार्म में आएगा, उद्देश्य में तो नहीं आएगा। ये उद्देश्य में सुबह जैसे कई साथियों ने बताया, उस पर टीसी सर ने रोका कि उद्देश्य का मतलब है कि जैसे मैंने 20 वंडर वर्ल्ड क्विक होके करना है, जैसे मैंने 50 लोगों को डायमंड क्लब में लेके आना है, जैसे मैंने 10 रोल्टी निकालनी है, मैंने इस महीने 10% ग्रोथ। उद्देश्य में तो उन्होंने बताया कि आपका आंकड़ा हो, संख्या हो। वो जो बुक रीडिंग है वो सीखने का अलार्म होगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर जैसे मुझे 10 रोल्टी निकालनी है तो वो सीखने का अलार्म में आएगा, सेलिंग का अलार्म में आएगा, फ्लॉप के अलार्म में आएगा। तो मैं शायद इससे जो मैं देख पा रहा हूँ, ये उद्देश्य में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अलार्म में। उद्देश्य है कि मैं किस काम को करने के लिए, मेरी क्या संख्या है, जो टीसी सर उसको बता रहे थे। जैसे सुबह एसपी वर्मा जी ने बहुत सारे अच्छे उद्देश्य बताए, बट टीसी सर ने कहा कि ये उद्देश्य आपके अलग हैं, ये लाइफ के रिलेटेड है। यहाँ पर आपको वो उद्देश्य बताने हैं जिसकी संख्या आप बता सकते हैं और जो यहाँ पर पेटल किए जा सकते हैं, तो शायद उद्देश्य में उस प्रकार की चीजें रहेंगी तो और अच्छा, जो हम सुबह डिस्कस करते हैं, जो भी साथी सवाल जवाब देते हैं वो और इफेक्टिव हो सकते हैं, ये मेरा कहना था। थैंक यू सर। जी सर, हम लोग इसमें डिस्कशन में, एक अच्छा डिस्कशन रहेगा। मोनालिसा जी, आप जो अत्री सर बोल रहे हैं, तो देखिए उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला या अत्री सर ने बोला कि हम लोग सही हैं, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। हम सब लोग अभी एक ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहे हैं, हम लोग होमवर्क बना रहे हैं। हाँ, और मतलब टीसी सर जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आपने क्या समझा, मैंने क्या समझा, त्रिशा एकदम सही बोल रहे हैं सर, इसीलिए मैंने सीखने के अलार्म में उसको डिवाइड कर दिए हैं। और उद्देश्य में भी मेरा उद्देश्य बुक रीडिंग एक संख्या में है, जैसे होता है ना किसी का कि मैं एक साल में 50 किताब पढ़ूंगी, ये उनका उद्देश्य होता है। तो मेरे ये पर्सनल उद्देश्य है सर कि मैं इतना घंटा करूंगी, ये उद्देश्य में लिख के मैं सीखने की अलार्म तैयार की हूँ। हालांकि ये मेरा काम में मुझे हेल्प करेगा, ये मेरा सोच है, तो इसी वजह से। और सर ने काटा नहीं है तो मैंने भी काटा नहीं है इसको सर, देखिए मोनालिसा जी आपका उद्देश्य सही है, वो था ना, मैं उस पर थोड़ा कह रहा था कि डेली 30 मिनट बुक पढ़ना, उसके बजाय क्या कि मैं महीने में 4 किताबें पढ़ूंगा, वो एक उद्देश्य हो गया हमारा। लेकिन उसमें जो सीखने के अलार्म में है, 20 मिनट देना है, आधा घंटा देना है, उस जैसे मैंने मतलब तुलसी पेंट की ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो वो मेरा सीखने का अलार्म में आएगा, वो कि मैंने उसकी किताब पढ़नी है, तुलसी पेंट वाली गाम और जुल की किताब पढ़नी है। तो मेरा जो कहने का भाव था, जो सुबह के सेशन में डिस्कस होती है उसको रिलेटेड मैंने बात की थी। सही है सर, मैंने भी वैसे ही लिखे हैं सर कि प्रोडक्ट वीडियो सीखने के अलार्म में ही लिखे हैं सर, बुक रीडिंग भी सीखने के अलार्म में ही लिखे हैं सर। सर राइट,
तो इसमें धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा एक्चुअली। अगर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है ना कि वो अलार्म में आएगा या उद्देश्य में आएगा, तो अल्टीमेटली जब हम बुक पढ़ेंगे ना तो वो हमें बेनिफिट उसका पूरा मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है ये कहाँ पे आएगा। वो जहाँ पे भी आए उससे हमारा काम पूरा होना चाहिए, और काम क्या है, किताब पढ़ना, वो हो रहा है। तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आए तो हम धीरे धीरे उसको ठीक कर लेंगे, वो ज़्यादा बड़ा इश्यू और नहीं है। एक बार करते हैं, मतलब हम लोग परफेक्ट हो जाएं तो सर के आराम से सर से पूछ लेंगे एक बार फिर। अभी सेलिंग के हम अलार्म सर, जी सेलिंग के अलार्म की बात करते हैं। सेलिंग के अलार्म में आपके उद्देश्य बताइए पहले, दो या तीन उद्देश्य क्या हैं? सेलिंग के अलार्म में मेरा उद्देश्य है मेरे मंथली सेलिंग 25,000 पीवी होना है, जो अभी 10,000 मेंटेन हो रहा है, ठीक है उसको ठीक 25,000 तक लेके जाना है। है और मंथली दो एक्स्ट्रा डायमंड क्लब करूंगी, जो अभी एग्जिस्टिंग डायमंड क्लब है उसको बढ़ा के दो साथी को और कराऊंगी, मतलब ठीक है। ये अभी दो 100 है तो 102 होगा। तो ठीक है, तो ये दो उद्देश्य हो गए आपके सेलिंग के अलार्म के। अब जी इसके लिए आपकी एक्टिविटीज क्या रहेगी? हाँ, तो एक्टिविटी में थोड़ा बढ़ के लिखे हैं सर, जो मेरे औसत सेल 1,000 पीवी डेली होना है, ये सर का लाइन है, सर ऐसे लिखने के लिए बोले हैं, क्योंकि कोई कोई दिन फील्ड में रहते हैं तो डेली सेलिंग नहीं होता है, तो औसत वाले वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए बोले हैं कि मेरा औसत सेल 1,000 पीवी डेली होगा, ठीक है ठीक तो 30,000 हो रहा है, तो 25,000 मेरा कवर हो जा रहा है, मैंने ज्यादा करके लिखे हैं। है ठीक और दो नंबर जो है, टीम में इस मंथ डायमंड क्लब का संख्या मेन ग्रुप में 5 और बी ग्रुप में 2 बनाऊंगी, मतलब 7 का तैयारी करूंगी, तो 2 तो पक्का हो ही जाएगा, तो 7 का तैयारी मेरा है, नहीं ये है सात, संख्या। हाँ जी सात का तैयारी आप करेंगे, लेकिन उसमें एक्टिविटीज क्या करेंगे उसके लिए? इसके लिए एक्टिविटी जो है वो है सर, वो बाद वाले में है, जैसे वो फॉलो अप में आ गया, वो धीरे धीरे बढ़ो सर। हाँ नहीं उस देखिए उद्देश्य हो गया कि जैसे मैंने 5 नए डायमंड क्लब, 5 करने 2 करने, क्या लिखा आपने उद्देश्य में? उद्देश्य में 2 लिखा है, हालांकि जो सेलिंग के मैं लिखे हूं तो उसमें डायमंड का की संख्या जो नहीं, है दो दो में क्लियरिटी क्या है कि ये दोनों लेगों को मिला के 2 होंगे या किसी एक लेग में 2 होंगे? एक एक लोग में दो दो करके 4, 2 प्लस 2, हाँ 2+2 4। ठीक है। अब और इसके लिए काम आप काम क्या करेंगे? जो लिखे हैं 16 अप्रैल तक 10 साथी के मैं तैयार करूंगी, जो औसत सेल 500 पीवी डेली करेंगे, ठीक है न्यू 10 साथी को तैयार करेंगे। तो इस 10 साथी में भी मान के चलिए कंटिन्यू कुछ साथी करेंगे कुछ साथी नहीं करेंगे, तो 10 साथी में मेरा 7 वहां पे है, वहां पे 4 है, तो अल्टीमेटली 4 एनी हाउ कवर हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा करके लिया अच्छा, है। ये इसको हम एक्टिविटी में कैसे लेंगे? जैसे 10 साथी मैंने यहाँ पे लिए हैं, 500 पीवी से ज्यादा कराऊंगी, उसमें और फाइन ट्यून किए हैं, सारे पीक्यूसी जो अभी तक कर चुके हैं उनमें से मैं हर साथी को 200 बीवी डेली करने के लिए प्रेरित करूंगी और साथ में उनके साथ चर्चा करूंगी। आज नहीं, ऑलरेडी पहले सर 5, पहले एक पॉइंट को कवर करते हैं हम लोग। जैसे आपने कहा कि 10 साथी से आप 500 बीवी डेली करवाएंगे, तो सर उसमें आप डेली क्या एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए, या डेली नहीं करेंगे वीकली कुछ एक्टिविटीज करेंगे, क्या करेंगे? इनको ये 10 साथी में से आज 5 साथी से बातचीत मेरा हो गया है, जो ऑलरेडी पीक्यूसी कोर्स नहीं कंप्लीट कर नहीं चुके हैं नहीं नहीं सर। वो नहीं बताना है आपने। तीसरी बार बोलते हैं कि जो करना है वही बताना है, मतलब उसी सर को फॉलो करेंगे उसी लाइन को। तो मैं ये कह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इसको इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए क्या? आपको, आप भी बताना मुझे, अपनी सर और बाकी सीनियर साथी भी हैं, कि आपका डेली में ये रूटीन होना चाहिए कि आज मैं 2 ऐसे साथियों से बात करूंगी जो अभी पहले 100 पीवी करते हैं हर रोज मान लेते हैं, तो उनसे मैं संपर्क करूंगी, उनसे काउंसलिंग करूंगी और उनको मैं 500 बीवी में लेके जाऊंगी। तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी, जी सर, ऐसे करना चाहिए क्या? आप ही बताएं, मैं तो आपको एक सजेशन दे रहा हूं। मतलब ऐसे ही कर रही हूँ सर,
वही 10 साथी को जिनको 500 पीवी डेली बेसिस में करना है, उनसे आज ने बातचीत की है 5 साथी से, उनको जैसे मैंने चूज करने के लिए बोला कि आप कौन से प्रोडक्ट में माहिर है, कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं इसमें, अलार्म में आप क्या लिखेंगे, अलार्म में लाइन क्या लिखेंगे वो बताइए। अलार्म में लाइन ये लिखे हैं, 16 अप्रैल तक मैं 10 साथी को तैयार करूंगी जो औसत सेल 500 पीवी डेली करेंगे। तो ये आप सुनिए, ये अलार्म आपका चला गया 16 अप्रैल तक, 2 दिन बचे, 3-4 दिन बचे हैं, 4-5 दिन, 4 दिन बचे हैं। अच्छा, तो उसको उसको आप ऐसा नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या कि मैं हर रोज इसमें से 2 साथी से बात करूंगी ताकि मैं 16 अप्रैल तक 10 तक पहुंच जाऊं? हाँ हाँ कर सकते हैं सर, जरूर तो कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अलार्म का मतलब ये हुआ कि आप उसको टुकड़ों में बांट के डेली की एक्टिविटीज पे आप उसमें ज्यादा आए। सही है सर, मैं चेंज कर देती हूँ, सही है सर। नहीं वैसे सर, आप अगर मैं आप माफी चाहूंगा सर, एक लाइन बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, बाकी जितने भी साथी सुन रहे हैं ये पूरे संवाद को, तो उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सवाल ही जवाब है, ये चीज आप सारे के सारे लोग ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी लोगों को जैसे सीखते समझते चलना है। रेस्पेक्टेड अत्री सर, रेस्पेक्टेड वत्स सर जैसा गाइड कर रहे हैं, बस उस चीज के ऊपर विशेष ध्यान हम सभी लोगों का रखना है, अदरवाइज बहुत से लोग इसी इंतजार में होंगे कि मीटिंग कब शुरू होगी, तो इसका थोड़ा ध्यान हमें रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। काजल कुछ कहना चाह रहे हैं, काजल भी काफी सिंसियर स्टूडेंट है और अनम्यूट कर रहा हूं, कर रहे हैं चीजों को। काजल कुछ आप एड ऑन करना चाह रहे हैं इस कन्वर्सेशन में? काजल अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू सर। सर जब सफलता के अलार्म सर ने शुरुआत करी थी तो उस समय मैंने सर एक नौसिखिए की तरह जो अपने लिए अलार्म सेट करा था वो सेलिंग के अलार्म सेट किए थे और सर नो डाउट मुझे बहुत उसका बेनिफिट मिला। तो सेलिंग के अलार्म में मेरा उद्देश्य था 50,000 पीवी पर मंथ करना। उसके लिए मैंने सर निम्न अलार्म सेट किए, जैसे महीने में 10 बॉडी स्कैनिंग कैंप लगाना, डेली कम से कम 2,000 पीवी करना बस अलार्म सेट किया, और सर डेली कम से कम 3 साथियों से मिलना, इस चीज का अलार्म सेट किया। और उसकी वजह से पिछले 6 महीने से सर 50,000 पीवी मैं लगातार कर रही हूँ। तो यही था सर। रिपीट कीजिए काजल एक बार। जी सर, मैंने मेरा सेलिंग के अलार्म में जो उद्देश्य था वो 50,000 पीवी पर मंथ करना था, जिसमें मैंने निम्न प्रकार से अलार्म सेट किए। पहला, महीने में कम से कम 10 बॉडी स्कैनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, डेली कम से कम 2,000 पीवी करना। तीसरा, डेली कम से कम 3 साथियों से मिलना। और सर इस वजह से पिछले 6 महीने से लगातार 50,000 पीवी मैं करती आ रही हूँ। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉलोअप के भी अलार्म आपने सेट किए हैं काजल, अगर हैं तो वो भी फॉलोअप के उद्देश्य बताइए और फिर अलार्म बताइए क्या सेट किए हैं। सर फॉलोअप के उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला उद्देश्य, अपने ग्राहकों को रिटेन करना, उन्हें बिजनेस में बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है प्रोडक्ट जो उन्होंने लिया सही समय पे यूज करना। तो सर फॉलोअप में ये दो ही उद्देश्य लिखे थे। इसके लिए जो मैंने अलार्म सेट किए थे वो इस प्रकार किए थे, हफ्ते में पांच दिन 1 घंटा मेरे जो पुराने ग्राहक है उनसे मैं कॉलिंग पे लगाऊंगी कि आपने प्रोडक्ट यूज किया नहीं किया, ये सिखाते हैं कि 3रे दिन करना चाहिए फॉलोअप, 15 दिन करना चाहिए और 28वें दिन करना चाहिए। दूसरा सर, जो नए ग्राहकों के लिए है उनके लिए मैंने इवनिंग में हफ्ते में 2 दिन न्यू कस्टमर्स के लिए 2 दिन कॉलिंग के लिए अलार्म सेट किया था। यही कैसे मोनालिसा जी आप बताएंगे फॉलोअप को लेके आपने क्या उद्देश्य सेट किए ताकि और क्लैरिटी आए थोड़ा? जी सर, फॉलोअप में मेरा उद्देश्य ये है सर कि सारे जो टेक्निक रॉयल्टी से मतलब लीडरशिप से रॉयल्टी तक जो भी साथी है वो हर वीक मेरे संपर्क में रहे, और टीम से भी जो सर का कहना था कि टर्मिनेट से लेके 500 बीवी से ऊपर तक सभी साथी बारीकी से सबके कॉन्टेक्ट में रहे, और कोर वाइज मतलब खुद हम कोर को गाइड करेंगे, कोर सब कोर को गाइड करेंगे, सर का इस हिसाब से था।
तो मैंने निम्न में मतलब इस तरीके से अलार्म सेट किए हैं, जिन साथी का डायरी बना दिए हैं उनको डेली दो बार मतलब दो साथी से मैं फॉलोअप करूंगी जिनको मैंने ऑलरेडी डायरी बना चुके हैं। पहला, दो नंबर, प्रोपोजर वाइज मैं टीम में 500 रुपीस पर मंथ से लेके टर्मिनेट तक सभी साथी को डेली 5 साथी को मैं फोन करूंगी या तो फिजिकली फॉलोअप करूंगी और टीम के सीनियर साथी से भी ये करने के लिए बोलूंगी और उनसे डेली बेसिस में रिपोर्ट लूंगी, ये लिखा है मेरे आलनम में। तो इसमें ये उद्देश्य हो रहा है सर, जो सर का कहना है कि कुछ कुछ साथी हम लोगों का ऐसा होता है जिनका अपलाइन छोड़ के भाग गए हैं, या तो हमारे ही कॉन्टेक्ट में हमने ही उनको ज्वाइनिंग कराए हैं और उनका दायित्व हम खुद लिए हैं, तो उस तरीके से 5 साथी का हम खुद जिम्मेदारी लेंगे। और कुछ ऐसा हम लोगों के टीम है जिनके नीचे और भी टीम है जिनको वो लोग ज्वाइन कराए हैं, तो इस तरीके से हमारा लीडरशिप अचीवर है, इस तरीके से हम लोगों का रॉयल्टी अचीवर है, तो उनका भी हम लोग अलार्म में ये वाला पॉइंट को लिखाए ताकि वो भी 5-5 को फॉलोअप करें। और हमारा क्या काम होगा, जितना भी हम लोगों के टीम में साथी है जिनको सीनियर साथी हम लोग बोल रहे हैं उनसे मैं डेली बेसिस में ये रिपोर्ट लूं कि आप उनसे क्या बातचीत किए हैं, कितना क्या हुआ, क्या रिपोर्ट, तो ये एक ही लाइन में एक ही अलार्म में ये सारा कवर हो रहा है। ये दो नंबर। तीन नंबर है सर, विभिन्न तरीके से लिस्ट बना के फॉलोअप करूंगी, जैसे एक्टिव लिस्ट, परचेस लिस्ट, लीडर वाइज लिस्ट, लेवल वाइज लिस्ट, प्रोपोजर वाइज लिस्ट, न्यू ज्वाइनिंग लिस्ट, टर्मिनेट लिस्ट। इसमें से न्यू ज्वाइनिंग लिस्ट खुद के हाथ में रखने के लिए सर बोले हैं और इनको ज्वाइनिंग होने के 3 दिन के भीतर भीतर हम लोगों को मतलब मुझे बातचीत करना है और विजन क्लियर करना है। बाकी जो भी लिस्ट आया है इसको एज ए लीडर वाइज प्रोपोजर वाइज हमको टीम में बांट देना है, खुद मतलब खुद के पास भी कुछ रखना है और टीम वाइज भी बांट देना है कि आप इनको फॉलोअप करिए सर। तो ये हो गया तीन नंबर। चार नंबर लिखे हैं, 2 तारीख से फॉलोअप करूंगी सेल फॉर टीम को, मतलब दो तरीके से फॉलोअप करूंगी सेल एंड टीम को। जो सेल में आएगा जैसे 5 साथी खुद के टीम में, न्यू ज्वाइनिंग खुद के टीम में, कुछ कुछ टर्मिनेटेड मेरे ही द्वारा ज्वाइनिंग हुआ है वो टर्मिनेट हो गए हैं वो खुद के सेल्फ में, और टीम के द्वारा जो होगा वो कोर टीम को हम लोग मतलब खुद के नीचे भी एक कोर टीम बनाने के लिए बोले हैं सर, तो उनको हम फॉलोअप करेंगे। वो टीम का फॉलोअप वो भी डेली बेसिस में करना है। और पांच नंबर है कोर टीम से, अच्छा ये मैंने खुद से लिखे हैं कि मेरा जो कोर टीम वो तो अभी ठीक से नहीं बना है ना, तो 12 तारीख तक मैं कोर टीम को बना के और 14 तारीख के भीतर भीतर इनका अलार्म डायरी पूरा एकदम सही ढंग से बनाऊंगी। और इसके मोनालिसा जी थोड़ा आइडिया आ गया है, मैं एक और किसी साथी से चाहता हूँ जिन्होंने फॉलोअप के ऊपर में अपने उद्देश्य भी लिखे हैं और अलार्म भी सेट किए हैं, और उससे पहले और एक है सर, सेलिंग जिनको कर रहे हैं 7 दिन के भीतर भीतर उनको फॉलोअप लेना है जो सेल किए हैं प्रोडक्ट खुद से, तो उनका क्या फीडबैक है सर? जी ठीक है, नोटेड। अत्री सर आपका कुछ इसमें फीडबैक या कुछ आप इसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं सर, मतलब स्पेशली फॉलोअप में हमारे उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए और उसमें किस प्रकार के अलार्म हम सेट कर सकते हैं? नहीं, फॉलोअप में जो एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया मुरली सर ने, फॉलोअप 2 प्रकार का है, एक सेल्फ का और एक कोर टीम का। तो सबसे पहले तो हम जब तक एक कोर टीम नहीं बनाएंगे, और मैं अक्सर ट्रेनिंग में इस चीज को कोट भी करता हूँ कि एक लीडर को यदि अपने पूरे बिजनेस को मोमेंटम में रखना है तो उसके पास 3 लेयर तक की लिस्ट होनी चाहिए, उसके कोर लीडर, कोर के कोर लीडर और उसके कोर लीडर। यदि 3 लेवल तक की लिस्टों पे उसका फॉलोअप होता है तो पूरा नेटवर्क उसका उसके पकड़ में रहता है और आगे हर लीडर को इस प्रकार के 3 लिस्ट बनाने के लिए वो तैयार करें। तो जो जो हम फॉलोअप कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट है कि लिस्ट बनाकर यदि फॉलोअप, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो याद नहीं रहती हैं, हम सुबह से शाम तक फील्ड में इतने बिजी होते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटी याद नहीं रहती हैं। जैसे मोनाली सर ने बताया कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट नहीं, जो आप भी इस बात पे बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि जो नए व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं बहुत सारे लोगों के पता नहीं होता किसने ज्वाइन करा, कहाँ ज्वाइन करा,
तो यदि हम उस प्रकार के लिस्ट बनाएं, 1000 से ऊपर परचेज करने वालों की लिस्ट, नए ज्वाइन होने वालों की लिस्ट, जिनकी बीलैग ओपन हो चुकी है उनकी लिस्ट, यदि उन प्रकार की लिस्टों को लेके फॉलोअप करें और डेली फोन कॉल का प्रोसेस पे हम फोकस करें, तो ये अच्छा एक तरीका हो सकता है। और मैंने अभी कई दिन पहले टेक्निकल की मीटिंग की थी, उसमें मैंने एक जूम की मीटिंग को प्रमोट करने के लिए एक उनको मैसेज दिया था कि आपने 10 लोगों को पर्सनली फोन करना है। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, तो फॉलोअप को इम्प्रूव करने का एक तरीका था। तो इसी तरीके से यदि हम फॉलोअप करेंगे, पहले उसके उद्देश्य थे और अब उनके तरीके अलार्म क्या क्या हैं, तो जिनके हमने नाम लिखे हैं, जो लिस्ट बनाई है, उनको यदि हम प्रॉपर फोन कॉल करते हैं और अपनी टीम के लीडर्स को फोन कॉल करने के लिए बोलते हैं, और तीसरा उन कोर लीडर से बार बार फॉलोअप लेते हैं कि आपने किया क्या, तो हमारा पूरा प्रॉपर फॉलोअप हो जाता है सर। थैंक यू सर। राइट राइट जी मोनालिसा जी, मैं काजल से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी प्लीज एक बार कनेक्ट हो। जी मोनालिसा सर, वो फोन पे चार्ज चला गया। जी सर, तो फॉलोअप का यही है सर, और किताब में भी कुछ कुछ पॉइंट है, वो क्या बोलूं सर? नहीं, फॉलोअप का हो गया, आपका मोटा मोटी का आइडिया लग गया, तो एक उसके लिए मैं काजल अगर हैं हमारे बीच में कनेक्टेड, एक बार हैंडल करें। काजल, आपने क्या लिखे हुए हैं तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम अगले जो हमारा पॉइंट है ग्रोथ वाला उस पर उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सर जैसे अगर हम फॉलोअप की बात करें, तो फॉलोअप के उद्देश्य किस प्रकार से, हम सेलिंग में फॉलोअप किस प्रकार से करना चाह रहे हैं? तो सर मैंने जो फॉलोअप किया है वो बेसिकली सेलिंग का किया है। फॉलोअप के भी सर कई पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, कि फॉलोअप हम सेलिंग का पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, फॉलोअप टीम बिल्डिंग का हम टीम के लेवल पे क्या कर रहे हैं, फॉलोअप जो न्यू ज्वाइनिंग्स आ रही है हम उस लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो सर ये बहुत वाइड है, लेकिन मैंने शॉर्ट में जो सेल्स का फॉलोअप बनाया है उसी चीज के बारे में मैं चर्चा करूंगी, वो मैं अच्छे तरीके से करती हूँ। जैसे सर सेल्स का अगर हम फॉलोअप की बात करें, तो दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, कि हमारे ग्राहक ने वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और उसका फीडबैक उसे कैसा लगा। दूसरा सर उद्देश्य ये होता है कि वो उसे उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो वो डेली कंज्यूम करना होता है, वन टाइम हम नमकीन की बात कर सकते हैं, उसने वन टाइम कंज्यूम किया तो वन टाइम फॉलोअप हो गया। लेकिन अगर वो वन मंथ का कोई भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सर उसका नियम है कि थर्ड डे हमें कॉल करना है कि उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया या नहीं किया। उसके बाद सर 15 डेज में हम कॉल करते हैं, क्योंकि कई बार तीसरे दिन तक तो लेते हैं कस्टमर एक्साइटमेंट में, लेकिन बीच पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। जैसे आपने उद्देश्य उद्देश्य बनाए, इसमें उद्देश्य दोबारा रिपीट करो आप। सर पुराने ग्राहकों को बनाए रखना, ठीक है, नए ग्राहकों को ऐड करना, ठीक है, और प्रोडक्ट कंजप्शन के रिगार्डिंग कंजप्शन को बढ़ाना बढ़ाना ये। इसके लिए एक्टिविटी क्या लिखी है, फिर अलार्म क्या सेट किए हैं? सर बेसिकली इसमें कॉल्स ही हैं, तो हफ्ते में 5 दिन डेली शाम को 1 घंटा पुराने ग्राहकों को कॉल करना, ठीक है। कि सर प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, तो हफ्ते में 2 बार न्यू ग्राहकों के लिए प्रोस्पेक्टिंग करना, ठीक है परफेक्ट। तो फॉलोअप का मतलब ये हुआ कि फॉलोअप में देखिए हम सबके अलग अलग लेवल पे थोड़े अलग अलग तरह के काम हो जाते हैं, तो उन कामों को हम भूल जाते हैं। अक्सर आप सबके साथ में ऐसा होता होगा कि आपने सुबह सोचा कि आज ये 4 काम करने, वो काम होते नहीं, 1 महीने तक नहीं होते, और कई बार ऐसा होता होगा वो रात को याद आता है सोते टाइम, काम दिन का था भूल गए, अगले दिन भी नहीं याद आ रहा, उससे टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, कोई लास्ट डेट है, कोई LIC की किस्त जानी थी, कुछ बिल जाना था, कुछ ऐसा होना था, तो वो जितनी भी परेशानी है वो सारी अगर हमारे इसमें अलार्म में सेट हो गई, तो वो हमारी सारी समस्याओं का निदान इसमें आ सकता है। और उसी प्रकार की बिजनेस से संबंधित हमारे बहुत सारे काम है, जैसे हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं ना, बेसिक्स के जो काम है हमारे, वो हर रोज करने वाले काम, अगर हम हर रोज नए लोगों से बात नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, तो कल के लिए हमारे पास में प्लान दिखाने का या प्रोडक्ट दिखाने के लिए लोग नहीं। जिनको कल प्लान दिखाया था उनको अगर आज हम फॉलोअप नहीं करेंगे तो हमारे पास में ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो जैसे वो काम हर रोज करने हैं, तो वो हमारी अलार्म डायरी में होने चाहिए। अगर हमने सेल बढ़ानी है तो वो सारे काम फॉलोअप में, फॉलोअप का हिस्सा होना चाहिए कि आज मैंने, या
सप्ताह में 3 दिन मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं फोकस करना और कम से कम इतने नए नाम मैंने ऐड करने। मैंने हर रोज कम से कम 4 लोगों से मैंने बात करनी जो मेरी लिस्ट में है, मैंने उनसे सही टाइम लेना। ये डेली की एक्टिविटीज है। उसी प्रकार से कम 2 प्लान दिखाने हैं। 2 प्लान तभी मैं दिखा पाऊंगा जो पहले दिन मेरे पास में अपॉइंटमेंट 5 लोगों से बातचीत किया होगा, तो 2 तब उसमें से निकल के आएंगे। तो ये इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की एक्टिविटीज हमारे फॉलोअप में आ जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगर किसी की लिस्ट बहुत कम है तो उसको फॉलोअप में प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में ज़्यादा काम करने की एक्टिविटीज को बढ़ाना है। अगर आपके पास में 400 लोगों के नाम लिखे हुए हैं डायरी में, तो आपको भी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके और उनको प्लान दिखाने पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो फिर वो वाला पार्ट आपका फॉलोअप का ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा आ जाता है। आपकी अगर बड़ी टीम है, मान लेते हैं आप स्टार एडमिरल के लेवल पे हैं, आपकी टीम में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं, तो फिर आपके फॉलोअप में ज़्यादा चीज़ें उनसे बातचीत करने वाली एक्टिविटी ज़्यादा रहेंगी। तो मोटा मोटी यही सार हुआ अत्री सर, और सुजीत जी आप भी बीच में एड ऑन कर दीजिए। जी सर, तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा सभी साथियों ने कि जैसा कि रेस्पेक्टेड वत्सर हम लोगों को बताया कि जो उद्देश्य और गोल कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, तो जो भी हमारे टारगेट हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अलार्म सेट करने, हमारे टारगेट सेलिंग वॉल्यूम के हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग अलार्म को सेट करना है। फॉलोअप से रिलेटेड हमारे जो भी टारगेट बनते हैं तो उसका अलार्म उसी पेज पे, जैसे मान लीजिए हमने फॉलोअप के उद्देश्य यहाँ पे लिख लिए, गोल लिख लिए, देन उसके जो अलार्म्स होंगे वो हमारे उसी पेज पे नीचे आएंगे। क्योंकि एक बात हम सभी लोगों को समझना है, और मुझे लगता है कि शायद एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि देखिए हमारे घर में बर्थडे होता है ना, तो उसके बर्थडे के अकॉर्डिंग हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं। जब हमारे घर में इंगेजमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, और जब हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमें पर्सनल वॉल्यूम करना होगा देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना अलार्म सेट करेंगे। टीम वॉल्यूम को ग्रो करना होगा देन उसके अकॉर्डिंग हम अलार्म सेट करेंगे, नंबर ऑफ प्री डायमंड क्लब, नंबर ऑफ डायमंड क्लब, नंबर ऑफ लॉयल परचेजर्स या 1000 PV परचेजर्स, जो भी हम उसमें तो संख्या एड ऑन करना चाहते हैं या हमें ग्रोथ मिल जाना है, तो वो कहीं वो हम सारे के सारे लोग अपने फॉलोअप के अलार्म में उसको डालेंगे। तो जो डायरी हमारी बने वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बने कि जो हमारे गोल्स उद्देश्य के बाद जो गोल के नंबर आते हैं वो हम लिखे, देन उसके नीचे पार्ट टू पार्ट हम अलार्म को सेट करें। आई थिंक सर शायद मैं बिल्कुल सही तरीका है आपका। अतरी सर आप कुछ इसमें फाइन ट्यून करना चाहते हैं? नहीं, यही पॉइंट है। थोड़ा सा हो सकता है लोगों को, क्योंकि जो सुबह के सेशन में नहीं आ रहे हैं उनको अलार्म को लेकर के कोई मिसकंसेप्शन हो। मैं जहां तक इस चीज को सीखा हूं, अलार्म का मतलब है एक्टिविटीज। yes. हमने एक्टिविटीज का नाम अलार्म लग दिया है। अब मैं जिस काम को कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने इस महीने, जैसे हम ग्रोथ की बात आगे करेंगे या जो भी कोई सेलिंग की बात करेंगे, मुझे इस महीने 2 नए रॉयल्टी निकालनी, तो ये तो मेरा उद्देश्य है। अब इसके अलार्म का मतलब इसकी एक्टिविटी क्या है? मैं होम मीटिंग की संख्या बढ़ाऊंगा, मैं PUC की सेल को बढ़ाऊंगा, मैं कुछ और ऑफर पर काम करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगा। तो अलार्म का मतलब वो एक्टिविटी, मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उस काम को करने के लिए मेरी कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी। यदि मैं इनको दोनों को समझ पाऊं तो मैं इस सफलता के अलार्म डायरी को सही ढंग से कर पाऊंगा। ये हमें समझने की जरूरत है। बस उन एक्टिविटीज को उस काम के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले हम क्या जनरल सभी कामों करते रहते, अब हमने बांट दिया उसको, सेलिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी है, फॉलोअप के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी है, ग्रोथ के लिए कौन कौन सी एक्टिव, और वंडरवर्ल्ड के लिए क्या क्या एक्टिविटीज है। इनको उस प्रकार से बाइफर्केट करेंगे तो हमारे सारे लक्ष्य ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। ये मेरा कहने का भाव है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही है सर। जैसे एक व्यक्ति, जैसे हमारे टारगेट है ना, ज्यादातर लोगों के टारगेट रहते हैं पिन लेवल पे जाना, रोल्टी पे जाना, या टेक्निकल में जो हम है उनकी पिनों को हमने चेंज करना है, अपने पिनों को चेंज करना। तो इनको बस हमने डिवाइड, सर ने उसको डिवाइड कर दिया है कि भाई आपने अपनी टेक्निकल की पिन को चेंज करना है, आप स्टार पर्ल बनना चाहते हैं, तो स्टार पर्ल बनने के लिए आपको 10-10 लाख का वॉल्यूम चाहिए कम से कम। तो उस वॉल्यूम के लिए आप ग्रोथ के लिए क्या करेंगे,
फॉलो अप किन किन चीजों का करेंगे ताकि बिजनेस बढ़े, और सेलिंग टीम में कैसे किस प्रकार से बढ़े, तो उन उसको डिवाइड कर दिया एक्चुअली, उस बड़े टुकड़े को डिवाइड करके आसान करने का प्रयास इसमें कहीं ना कहीं किया जा रहा है। एक बार हम इसको कंप्लीट करते हैं सर, ग्रोथ के उद्देश्य और ग्रोथ के अलार्म्स की एक बार बात करते हैं। तो मोनालिसा जी और काजल हमें बता रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई और साथी हमारे बीच में है जिनको लगता है कि वो रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से तैयार किया है, वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं अभी, और उनसे भी हम लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो मोनालिसा जी तो है ही हमारे पास में। नहीं, जी एक बात एक बात एक बात सर, तो समझ में आ गई सर, कि अभी जाके समझ में आया कि हर एग्जाम में लड़कियों के नंबर ज्यादा क्यों आते इफ्तिकार हैं। सर इफ्तिकार भैया भी हैं, इफ्तिकार भैया का भी डायरी मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। भैया है क्या, नहीं पता नहीं अच्छा, एक बार आप बताओ फिर धनराज जी से और लेंगे, आपने जी। क्या लिखा है ग्रोथ ग्रोथ के उद्देश्य बताइए, सिर्फ दो। जी सर, ग्रोथ के एलएनएम में गुरुदेव का जो कहना है कि टर्मिनेट साथी को एक्टिव कराना और परचेसिंग को बढ़ा नहीं देना, ये सर, कोई सर भी सर ग्रोथ की, में नहीं आएगा। सर की लैंग्वेज के अनुसार आपने पढ़ के बता रहे हैं, डायरी खोलो और हाँ पढ़ो, उद्देश्य जी नंबर एक, सर, उद्देश्य नंबर तो दो। मैंने जो ग्रोथ के एलआरएम में लिखे हैं, न्यू पीक्यूसी से मैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने एक्स्ट्रा करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 नंबर, मैं होम मीटिंग इस महीने 20 होम मीटिंग ज्यादा करूंगी, जो भी करती हूँ उससे 20 होम मीटिंग मैं ज्यादा करूंगी, और पर्सनली आप ज्यादा करेंगे, आप खुद हाँ ज्यादा करेंगे उद्देश्य कुछ में, ज्यादा ठीक करेंगे, और है। 50 होम मीटिंग इनसे कराऊंगी। नहीं तो ये जस्टिफाई लग रहा है क्या आपको कि आप अकेले 20 कर रहे हैं और आपकी इतनी बड़ी टीम है, उससे सिर्फ 50 का आपने टारगेट लिया? 5 ही साथी है सर जो अच्छे से होम मीटिंग कर सकते हैं सर। अच्छा, संख्या कम है एक्टिव हाँ की, सर जी सर, ठीक है ठीक इस है। वजह से। अब इसके आपने अलार्म क्या रखे हैं, एक्टिविटीज क्या है? हाँ, ये जो रखे हैं सर, इसको वीकली अभी जो डिवाइड किए हैं, क्योंकि आधा महीना मेरा चला गया है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, तो अभी ये 2 हफ्ते में मुझे 10 होम मीटिंग इस हफ्ते करना है, और अगले हफ्ते मुझे 10 होम मीटिंग करना है, और टीम को भी जो भी 5 साथी हैं उनको 5 होम मीटिंग इस हफ्ते करना है और 5 होम मीटिंग अगले हफ्ते करना है। एक्टिविटी नहीं में लिखे हैं सर हफ्ते में 10 करना है, ये एक्टिविटीज हो गई। एक्टिविटीज जी सर। को हफ्ते को आपको डे में या कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी, नहीं तो हफ्ता खत्म हुआ मिलेगा आपको, मालूम चलेगा हफ्ता ही खत्म हो गया। इसी वजह से हफ्ते लिखे हैं सर, क्योंकि आ, आ, कल नहीं नहीं मेरा मेरा पॉइंट ये, उसको डेली पे लेके आओ ना, हफ्ते में अगर आपने 10 करने हैं, जी सर एक दिन में एक तो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट एक दिन में आप नहीं कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन में कम से कम 2 करूंगी, तो उस प्रकार से लेके आना पड़ेगा। जी, जैसे आज 2 हो गया है सर, वो मेरा और वर्क चार्ट है जिसमें टोटल टारगेट 10 लिखा है, जैसे आज 2 हो गया है तो 2 माइनस करके 8 मेरा रिमाइंडिंग हाँ, तो इस। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप चीजों को अगर लंबा लेके जाएंगे ना, उनको 15 दिन में एक वाली एक्टिविटीज होगी या वीक वाली होगी, तो उसमें मिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उसको अगर हम लोग डेली बेसिस पे लेके आएंगे या 2 या 3 दिन में एक बार लेके आएंगे, तो फिर हम लोग उसको कर भी पाएंगे और संभावना है कि हम लोग अपने कमिटमेंट को फेल नहीं करेंगे। जी सर, तो वीकली 2 होने से होगा सर, मतलब हाँ, टारगेट पूरा। वीकली 2 का टारगेट आप लीजिए, अगर थोड़ा कम भी रहता है तो आपका 10 का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप होम मीटिंग करेंगे और अपनी टीम से होम मीटिंग करवाएंगे, एक तो एक्टिविटी ये हो गई। दूसरी एक्टिविटी, दूसरे एक्टिविटी जो पीक्यूसी के रिगार्डिंग है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मुझे एक्स्ट्रा कराना है। अच्छा, नया जो पीक्यूसी है उससे 50,000 आपने करवाना है, जी, नए तो तरीके से कराना है सर। उसके लिए एक्टिविटी क्या करेंगे? इसके लिए मैंने सेलिंग में कुछ लिखे हैं सर, जो 200 बिजनेस वॉल्यूम मुझे कराना है 20 साथी से, ये एक एक्टिविटी वहां पे है, नहीं नहीं और साथ पीक्यू में सर आपने जो लिखा ना, नए पीक्यूसी से 50,000 बीवी का आप करवाएंगे, जी सर, उसके लिए क्या एक्टिविटी करेंगे? इसके लिए सर मेरे पास 40 साथी है, और 40 साथी को मैंने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम टारगेट दे चुके हैं, तो इस अच्छा, वो उस पीक्यूसी से प्रोडक्ट लेंगे। हाँ, मतलब अच्छा पीक्यूसी से, मतलब किसोल से मैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा कराऊंगी, जो मेरे पास 40 साथी अभी है,
और इस 40 साथी को 1000 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा करने के लिए मैंने ऑलरेडी रोड मैप दे दिया है सर। तो मेरा 40,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से आ रहा है। उसमें एक्टिविटीज ये डालनी पड़ेगी ना, आप उन 40 में से उनसे बातचीत करेंगे डेली, कितनों से बातचीत करेंगे या उनको कोई ट्रेनिंग देंगे, उनको कोई जूम मीटिंग देंगे जी, तो वो अलार्म में आएंगी ना एक्टिविटीज। जी सर लिखे हैं सर, जो पीक्यूसी जो ट्रेनिंग अचीव कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको मैं वीकली एक जूम मीटिंग में कंडक्ट करूंगी और जूम मीटिंग दूंगी। साथ में मैंने लिखे हैं वंडर वर्ल्ड में मैं 2 प्रोग्राम की सोल रिगार्डिंग करूंगी, जो कल मेरा एक हो रहा है, 21 तारीख को एक हो रहा है, और गुवाहाटी में मेरा 16 तारीख को एक हो रहा है। 3 एक्टिविटी मेरा हो रहा है सर, जिसमें ये लोग सारे साथी को लेके आएंगे। यहाँ पे फेशियल होगा, हेड मसाज होगा, उन लोगों का सेलिंग हो जाएगा, तो इस एक्टिविटी इस तरीके से लिखा। गोट इट ठीक है, मोटा मोटी समझ में आया। धनराज जी, प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए। जी सर, मैंने सर ग्रोथ का उद्देश्य लिखा है। जो बिजनेस मेरा अभी इस टाइम है, जो फाउंडर मैं स्टार पॉल पे हूँ, तो और उसी के अनुसार मेरी टीम में रॉयल्टी अचीवर है, जो अभी वर्तमान पिन पे नहीं है वो नीचे लेवल पे है। तो मैंने उद्देश्य लिखा सर, दिसंबर 2023 तक सबसे पहला उद्देश्य है इस बिजनेस को मैंने मेंटेन करना है और ये फाउंडर हटाना है। तो मेरे टीम में जितने भी रॉयल्टी जो अभी है उनको लेवल पे लाने की। डिटेल नहीं, सिर्फ लाइन वाइज जो लिखा है वही पढ़ना है जी, डायरी में देख के पढ़ना है। उद्देश्य ये एक्टिविटी है ग्रोथ के, बताइए ग्रोथ का। आपने एक उद्देश्य बता दिया कि बिजनेस को मेंटेन करना है दिसंबर 2023 तक, इसके अलावा कोई उद्देश्य है ग्रोथ का? अब उसका उद्देश्य है सर, जैसे ये बिजनेस आएगा कैसे, तो इस जो 8 महीना अप्रैल महीने के बाद में जो बचेगा उसमें 50 महीने पीक्यूसी साथी नए तैयार करना है, और उसके अलावा मैंने सर 10 साथी तुलसी पेंट पे पेंटर को तैयार करना, ताकि उस बिजनेस को हम ग्रोथ पे लेके आए। और उसके अलावा एक और लिखा सर, पीयूसी की 5 पीयूसी की सेल की ग्रोथ करनी है, जहाँ पे मेरी एक्टिविटी होगी वहाँ पे। तो ये आपके उद्देश्य में रहेंगे या आपके उसमें आएंगे, ये अलार्म में आएंगे? मैंने ये पहले तो उद्देश्य लिखा, फिर मेरा ये अलार्म है कि मैंने ये 50 साथी को मतलब ये लाना है, और उसमें एक्टिविटी उनको मैं ट्रेनिंग दिलाना है, उनके साथ में जाके प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है वो एक बार ट्रेनिंग में लाना, ये मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य के साथ में अलार्म डायरी में मेरा संकल्प हो गया सर। अब उनके साथ में मैं डेली 2 साथियों से बात करूंगा। किताब में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाओ, अलार्म क्या है? ये अलार्म आ गए ना? जी अलार्म आ गए। तो 5 पीयूसी की सेल की ग्रोथ करनी है, 5 पीक्यूसी पीयूसी की सेल। जैसे पीक्यूसी मेंबर तो 50 होंगे इस साल के, लेकिन पीयूसी की सेल बढ़ानी है। जैसे वर्तमान में एक मेरी टीम की पीयूसी सेल है 1,80,000 है, उसकी ग्रोथ करके इस साल मेरे को उस 5,00,000 पे लेके जाना। नहीं तो उससे आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वो तो सभी का बिजनेस है पीयूसी से। तो सर उसमें सर मोटा मोटी अपना ही बिजनेस ज्यादा है वहां पे। नहीं वो मत, इसलिए वो रिलेट नहीं करेगा सर, वो पीयूसी वाला मत आप सेल बढ़ाने का टारगेट मत लीजिए। पीक्यूसी का बढ़ाइए या फिर उसमें डायमंड क्लब आप बढ़ाइए, इस प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे ना तो वो डायरेक्टली आपको उसका इम्पैक्ट आएगा सर। और ये पीक्यूसी मतलब पीयूसी जो बोल रहे हैं सर, ये WWQ है, तो ये WWQ अलार्म में ये वाला पॉइंट चला जाएगा सर, खुद के ग्रोथ में नहीं आएगा सर मेरे हिसाब से। आप, बाकी आप जो भी सभी साथी वर्किंग को प्लान कीजिए, तो जैसा कि रेस्पेक्टेड सुंदर सर हमेशा से गाइड करते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, तो देखिए अलार्म है तो अलार्म जब हम सेट करते हैं तो उसमें आवर एंड मिनट्स इन दोनों को हम सेट करते हैं। तो जो हमारा मंथली गोल बने, जैसे अभी आ रहा था एक पॉइंट की मंथली 50 होम मीटिंग्स या फिर नंबर ऑफ 20 डायमंड क्लब या 100 डायमंड क्लब, इस तरह की जो भी हमारे गोल है, तो ये आवर गोल हो गया। अब इसको मिनट में भी हमें डिवाइड करना है, यानी कि हमें पर डे डेली मतलब इसमें से कितना कवर करना है, ये हमारा एक अलार्म जरूर बनना चाहिए। जब हम इसको अचीव कर पाएंगे, इस गोल की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा। अकॉर्डिंग टू डीसी सर हम चले तो डीसी सर वही बोलते हैं कि देखिए ये अलार्म डायरी अपने हाथों से लिखना है, और जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो हमें उसी चीज को लिखना है जो हम कर सके, और जब हम एक बार चीजों को लिखें तो वो कभी भी पेंडिंग वाली पोजिशन में ना जाए।
यदि हमने लिख दिया है कि एवरी डे हमें 20 न्यू डायरेक्ट सेलर्स को फॉलो करना है, तो हर हाल में करना है। ये नहीं हो कि आज हमने 20 को नहीं किया तो कल 40 को कर लेंगे, और कल भी नहीं कर पाया तो परसों जाके हम 60 को करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आज 20 करना है, मतलब करना है। इसी तरह से बाकी जितने भी अलार्म हम सेट कर रहे हैं, उन सारे अलार्म्स को एवरी डे, चूंकि डायरी को लेके वो पॉलिसी हमेशा याद रखनी है कि नजर के सामने और जिगर के पास, ये हमेशा अपने पास हो और इसके अकॉर्डिंग ही हमें डे की शुरुआत करनी है। तो जब हमारे पास सफलता के अलार्म डायरी है तो मिसिंग वाली चीज तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, और पेंडिंग वाली चीज होनी नहीं चाहिए। तो ये काइंडली आप सभी लोग ध्यान रखें। और रेस्पेक्टेड अवधेश सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर बोल सकता हूँ? अरे सर स्वागत है आपका। नहीं मैं तो ये घंटा मेरा नींद भी आ रहा है सर। अभी जितना भी हो रहा है सब ठीक है, लेकिन मेरे समझ से जो है ना कि हम लोग को अगर बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे अनुसार से तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बिजनेस को समझना है, प्लांट प्रोडक्ट और प्रेजेंटर। आज यहाँ जितने भी लीडर है टेक्निकल अचीवर, वो सब क्या है, बेस्ट प्रेजेंटर। और बेस्ट प्रेजेंटर के लिए अभी हम जितना भी आप सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं सर आपसे, बस साहब आपसे, अतनी साहब, सुजीत सर आपसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, मैं एक टेक्निकल अचीवर हूँ, मैं पर्ल हूँ, और आप सब मेरे अपलाइन हैं, और मेरा बिजनेस मेंटर भी नहीं है, 5 लाख का बिजनेस है, ठीक है। और मुझे मेरा ऑब्जेक्ट है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है। मेरा उद्देश्य में मान लिया, गोल सेट करें। अब जब मैं ये सेट करता हूं, मैं आपसे मैं फाइन ट्यूनिंग करना चाहूंगा, तो मैं इस किताब में जाता हूं सर। ये किताब जो अत्री साहब बोले ना, ये अलार्म क्या है, एक्टिविटी का, तो मैं इसमें एक नंबर पॉइंट लिख रहा हूं सर कि मैं हर माह अपनी सेल बढ़ाऊंगा। ये 52 पॉइंट जो है, इसमें दो चीज करना है और करवाना है। करना है क्योंकि मैं टेक्निकल अचीवर हूं, मुझे करना है, करवाना है। तो अगर मैं अपने ढंग से सोचता हूँ, मैं हर माह अपना सेल बढ़ाऊंगा, तो बस साहब ये कहाँ पर मैं लिखूंगा, लर्निंग में लिखूंगा, सेलिंग में लिखूंगा, ग्रोथ में लिखूंगा, फॉलोअप में लिखूंगा, कि टीम मैनेजमेंट में लिखूंगा, भाई साहब कि WWQ में कहाँ लिखूंगा, बताइए तो मुझे। आपने अपना सेल बढ़ाना है सर, तो ये सेलिंग में ही जाएगा, अगर आपका पर्सनल सेल है। यस सर, एक नंबर में, क्योंकि आज का जो मीटिंग है ना सर, ये हमें एक सिलेबस तैयार कर लेना चाहिए, और सिलेबस के ऊपर मेरी अलार्म जो होगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, देन हमारा परसेंटेज कितना पूरा होगा। अगर सर मैं आपसे पूछूंगा कि मैं डायमंड क्लब, क्राउन क्लब करूंगा, सेल टारगेट होने के बाद भी निरंतर सेल करूंगा, ये 2 नंबर कहां जाएगा सर? ये सेलिंग में ही जाएगा सर। हम लोग लर्निंग, सेलिंग, ग्रोथ, फॉलोअप, टीम मैनेजमेंट और WWQ, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं ना कि आप पे PQC पे बात कर रहे हैं तो हरी संजीवनी छूट जा रहा है, अगर दूसरा चीज बात कर रहे हैं तो ड्यूटी चार्ज छूट जा रहा है। तो इस 52 पॉइंट में मेरा जो मानना है ना, ये सारा चीजें सर ने बनाए, ये जो इसको अगर हम एडजस्ट कर ले और उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटी से चेक करें कि हम 1 नंबर को भी डायमंड क्लब करना है, अच्छा ठीक है तो 1 नंबर को करना है, तो ऐसा कुछ करो सर। सर किताब सबके पास ही है मोटा मोटी सर, पांचों चीजें जो है ना सर, लिख लेंगे सर, पांचों चीजें एक बार सभी लोगों को नोट करवाइए अगेन सर। एक करके ताकि सारे लोग नोट कर सके उसको विधिवत तरीके से। जैसे सुजीत सर, ये ऑब्जेक्ट अगर जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, जी सर, अगर मतलब ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो अलार्म है हमारे टाइप ऑफ अलार्म की बात कर रहे हैं सुजीत जी सर, ये सारे लोग नोट कर लेना तो फिर अपने आप अलार्म सेट कर लेंगे सर लोग। सर पांचों पॉइंट ऊपर से लिख लेंगे और जो जो एक एक पॉइंट होगा तो उसमें संख्या भी लिखते लिखते जाएंगे तो भी तो हो जाएगा ना सर। इतने में तो हम पॉइंट ही डिस्कस कर लेंगे, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट एक बार लर्निंग, सर एक बार हाँ लर्निंग, 1 नंबर हमारे समझ से होना चाहिए, बस साहब फाइन ट्यूनिंग करेंगे, 2 नंबर होना चाहिए सेलिंग, वो ऐसा ही सीक्वेंस सर ने बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये सीक्वेंस। 3 नंबर ग्रोथ नहीं, 3 नंबर सर ने बताया फॉलो मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट,
तीन नंबर हम फाइन ट्यूनिंग करिएगा, जब तक हम सेलिंग ये सब ग्रोथ नहीं कर अपना माइंड में सेट करेंगे तो हम फॉलो अप के लेवल कैसे बढ़ाएंगे। देखिए सभी साथी ध्यान दें, नंबर वन सीखना, आप नोट कर सकते हैं सभी साथी, नंबर वन सीखना। मैं फिर से वापस रिपीट करना चाहता हूं, नंबर वन सीखना, लर्निंग। नंबर टू सेलिंग, नंबर टू सेलिंग, नंबर टू सेलिंग, सेलिंग। नंबर थ्री में वापस, नंबर थ्री में सर ग्रोथ होना चाहिए कि फॉलो होना चाहिए बस साहब। आज है ना सुबह टीसी सर ने रिपीट किया था कि हमने पांच अलार्म पे ध्यान देना है, तो टीसी सर ने बताया फॉलो अप, तीन नंबर फॉलो अप। तीन नंबर पे आप सारे साथी नोट कीजिए, फॉलो अप, फॉलो अप, तीन नंबर फॉलो अप। थोड़ा सा सर सभी लोगों को नोट कर लेने देते हैं, फॉलो अप। फिर से मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर वन सीखना, नंबर टू सेलिंग, एंड नंबर थ्री फॉलो अप। जी हाँ सर, चार नंबर ग्रोथ, चार नंबर पे ग्रोथ, पांच नंबर टीम मैनेजमेंट। नहीं नहीं, टीम मैनेजमेंट सर ने हटा दिया है, वो फॉलोअप का ही पार्ट बन जाएगा, अभी सिर्फ पांच पे फोकस करना है। तो इस हिसाब से चार ही हुए सर अभी, सीखना नंबर वन, सेलिंग नंबर टू, फॉलोअप नंबर थ्री, और ग्रोथ नंबर फोर, WWQ, और पांचवा आप सारे जितने भी साथी हैं वो नोट कर लीजिए, WWQ। अब मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, नंबर वन सीखना, नंबर टू सेलिंग, नंबर थ्री फॉलोअप, नंबर फोर ग्रोथ, एंड नंबर फाइव WWQ। थैंक यू सर, ओवर टू। तो ये अभी एक नंबर पॉइंट को हम कहां पे डालेंगे, फर्मा सेल बढ़ाऊंगा तो एक नंबर सेलिंग में चला गया सर। मैं हर माह अपनी सेल बढ़ाऊंगा तो ये चला गया सर सेल के लाभ में। और इसमें जो 52 पॉइंट में बढ़ाऊंगा बढ़वाऊंगा, ये उद्देश्य रहेगा कि मैं करूंगा और टीम से भी। दूसरा जी ये मैं डायमंड क्लब, ये दूसरा नंबर पॉइंट कहां होगा, ये भी सेलिंग में ही जाएगा। हाँ। मैं डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब करूंगा करूंगी, परंतु सेल का टारगेट होने के बाद भी निरंतर सेल करता रहूंगा करती रहूंगी, दो नंबर सेलिंग में चला गया। ठीक है, तीन नंबर नए लोगों की हमेशा शुरुआत प्रोडक्ट यूजर बनाकर करूंगी, ये कहां पे जाएगा सर। मैं कुछ बोलूं सर? सुजीत सर ये कहां पे जाएगा, नए लोगों की हमेशा शुरुआत प्रोडक्ट यूजर बनाकर करूंगा, फॉलोअप में जाएगा सर, फॉलोअप में जाएगा। यस, इसमें हम एक चीज क्षमा चाहेंगे सर, जैसे आप ये बहुत बेहतरीन चीज बता ही रहे हैं तो क्यों ना हम सारे साथी को नोट ही करवाएं, आप नंबर नोट करते जाइए सिलसिलेवार, जो अपना पांच है तो कौन 52 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट एक से लेके पांच के बीच में जाते हैं, इसको आप सारे लोग नोट कर ले ताकि डायरी बनाने के डायरेक्शन में हम लोग बेटर तरीके से आगे बढ़ सके। सही है, सही है। एक दो सेलिंग में गया, तीन अंदर सर का में गया। चार नंबर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा करूंगी, ये कहाँ पे जाएगा, सेलिंग में, लर्निंग में, सीखना में जाएगा सर। गुरुदेव का कहना ये था सर, गुरुदेव का कहना ये था कुछ कुछ पॉइंट जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये हम लोगों को जो जिनका हैबिट हो गया है वो ऐसे लिख के रखेंगे डायरी के शुरुआत में, और नए साथी को हम लोग जब डायरी तैयार करा रहे हैं छोटे टारगेट देके कि पांच ही अलार्म सेट करिए तब इनको हम लोग लेंगे। तो इसको मोनालिसा जी, मोनालिसा जी अभी मैं अपने अप्लाइंस सेट करवा रहा हूँ, अभी जो है ना सबके अप्लाइंस मोनालिसा जी है। नहीं सर एकदम नहीं सर, सॉरी सर, जी सर। चार नंबर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये कहां जाएगा सर। हाँ ये एक्चुअली ना सर, ये एक ऐसी एक्टिविटीज है, इसको अलार्म में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू एक टेक्निकल जीवर या रोल्टीचूर कोई ना कोई इसको कर रहा है, तो अगर हमें इसको सफल इसमें अगर अलार्म में अगर हमें लगाना ही है कहीं ना कहीं हाँ। तो हम इसको ले सकते हैं सर, सेलिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पार्ट बनता है फिर फॉलोअप का ही बनता है, याद दिलाने का बनता है कि मैं इसको ले रहा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो फॉलोअप में चला जाएगा, फॉलोअप पे चला जाएगा।
चार नंबर फॉलोअप, सर पांच नंबर, पांच नंबर प्रतिदिन एएनसीसी 30 मिनट देखूंगा और अपने टीम के पांच जितने भी साथियों को दिखवाऊंगा। ये आ गया हमारा सीखने के अलार्म में चला जाएगा, लर्निंग, लर्निंग पांच नंबर नहीं एक नंबर, हाँ पांच नंबर जो है एक नंबर में, एक नंबर, एक नंबर रोजाना कम से कम डैश डैश साथियों को एनसीसी के लिए याद दिलाऊंगा दिलाऊंगी। फॉलोअप में आ गया सर, ये छह नंबर चला गया सर फॉलोअप में। अच्छा सात नंबर पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स डैश डैश माह में ज्वाइन करूंगा करूंगी, ये किसमें जाएगा? पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स माह में ज्वाइन करूंगा करूंगी, ये भी उसमें आ गया, लर्निंग में आ गया सर, लर्निंग में आ गया सर, ये हुआ नंबर सात नंबर एक नंबर में आ गया। हाँ हाँ टीम से प्रति माह कम से कम डैश डैश को पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करवाऊंगा करवाऊंगी, फॉलोअप, फॉलोअप आठ नंबर फॉलोअप में। नौ नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश पीबी की कीसोल प्रोडक्ट की सेल करूंगा करूंगी, सेलिंग में आ गया, सेलिंग में, सेलिंग में आ गया, ये दो नंबर में आ गया। प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश पीबी की न्यूट्री चार्ज की सेल करूंगा करूंगी, ये भी सेलिंग में आ जाएगा सर। दस नंबर सेलिंग में सर, दस नंबर बस आप जी सेलिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ग्यारह नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश पीबी की हरी संजीवनी की सेल करूंगा करूंगी, सेलिंग आ गया सर ये। बारह नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश पीबी की गुड डॉट की सेल करूंगा करूंगी, सेलिंग, सेलिंग में आ गया। तेरह प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश पीबी की हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की सेल करूंगा करूंगी, ये कहां गया? सेलिंग में आ जाएगा जी। तेरह नंबर चौदह नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश बार पार्लर को कीसोल प्रोडक्ट दिखाऊंगा दिखाऊंगी, ये कहां पे आएगा? फॉलोअप, फॉलोअप चौदह नंबर फॉलोअप। नौ से लेके तेरह नंबर तक सेलिंग में आ गया दो नंबर में, और चौदह नंबर आ गया फॉलोअप में तीन नंबर फॉलोअप। पंद्रह नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने में कम से कम डैश डैश की सोड़ियों को न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में बताऊंगा बताऊंगी, ये कहां जाएगा सर? फॉलोअप जी। हाँ एक बार वो किताब भी दिखा दीजिएगा सर, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि कहां से नंबर निकल रहा है। रॉयल्टी प्राप्त, हाँ करने का सही तरीका, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका जो किताब हम लोगों की आती है, देखिए रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर के हाथ में है, मैं एक बार स्पॉटलाइट करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए इस चीज को। जी हाँ, और इसी किताब के अंदर से जो पॉइंट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, पांचों कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा रहा है, टोटल 52 पॉइंट्स हैं, और उन वो 52 के 52 पॉइंट्स किन किन श्रेणी में आएंगे एक से पांच तक, वो चीजें बताने की कोशिश की जा रही है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको नोट कीजिए, आपके पास किताब होगी बाद में किताब देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको परचेज करके अकॉर्डिंग टू नंबर अपने डायरी को बेटर तरीके से अलार्म दे सकते हैं। ओवर टू यू सर, थैंक यू। सोलह नंबर प्रतिदिन सप्ताह में महीने से महीने में कम से कम डैश डैश बार न्यूट्री चार्ज व्यू न्यूट्री चार्ज डीएचए 200 के बारे में लोगों को बताऊंगा बताऊंगी, सोलह नंबर कहा जाएगा? फॉलोअप पे चला जाएगा, सोलह नंबर फॉलो। सत्रह नंबर एक दिन पहले कम से कम डैश डैश संभावित ग्राहकों की सूची तैयार करूंगा करूंगी, फॉलोअप, फॉलोअप सत्रह नंबर भी फॉलोअप में चला गया। अठारह नंबर प्रतिदिन टीम के कम से कम डैश डैश साथियों से बात करूंगा, फॉलोअप सर करूंगा, अठारह नंबर फॉलोअप। उन्नीस नंबर मैं डैश डैश माह में फाउंडर वीर वीरंगना कोर्स ज्वाइन करूंगा करूंगी, फॉलोअप सर, फॉलोअप बीस सीखने की सर, हाँ जी ज्वाइनिंग करूंगी बोले हैं, सीखने की ना माह में वीर वीरंगना कोर्स ज्वाइन करूंगा करूंगी, करवाऊंगी, अच्छा ज्वाइन, हाँ लर्निंग में आ जाएगा सर, लर्निंग में आ जाएगा ना, हाँ लर्निंग में। एक सेकंड दे दीजिएगा सर बस हमको, एक सेकंड, सभी साथी ध्यान दें, पॉइंट नंबर 14 15 16 17 और 18 ये तीन नंबर में आएगा, फॉलोअप के अंदर आएगा, और 19 जो है वो लर्निंग में आएगा। जी सर, मैं प्रतिदिन 20 नंबर में प्रतिदिन फाउंडर वीर वीरंगना कोर्स क्लास ज्वाइन करूंगा करवाऊंगी,
लर्निंग लर्निंग 20 नंबर लर्निंग 21 नंबर मैं प्रतिदिन कम से कम डैश डैश साथियों से फाउंडर वीर विरंगना कोर्स के लिए बात करूंगा करूंगी फॉलो अप 21 नंबर 22 नंबर कम से कहां फॉलो अप में आएगा सर 22 नंबर पे सप्ताह में कम से कम डैश डैश हाइजीन कैंपेन करूंगा करूंगी हाइजीन कम से कम इतने हाइजीन कैंप करवाना ये देखिए ग्रोथ में भी जा सकता है इससे बिजनेस में ग्रोथ होगी ये ग्रोथ में जा सकता है ग्रोथ नंबर सर 22 नंबर हाँ जी 22 नंबर 4 नंबर में जाएगा ग्रोथ में जाएगा 22 नंबर या 4 23 नंबर सप्ताह में कम से कम डैश डैश टीम से हाइजीन कैंप करवाऊंगा करवाऊंगी ये फॉलोअप में जाएगा सर ये फॉलोअप में भी जा सकता है ग्रोथ में भी जा सकता है कि दोनों के हैं ये क्या कहते हो मोनाली सर हाँ लिखे हैं सर मैंने हैं ग्रोथ में लिखे हैं सर दोनों ठीक है सर ने पास कर दिया है ना मोनाली सर दीदी सर ने पास कर दिया है ना ठीक है फिर ओके आगे बढ़ 24 नंबर महीने में कम से कम डैश डैश बार हाइजीन मीटिंग अटेंड करूंगा करूंगी हाइजीन मीटिंग अटेंड करना मतलब हो गया ये लर्निंग 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 में जाएगा सर 24 ना सर 24 लर्निंग 25 मैं प्रतिदिन सुबह शाम की कार्यशाला अटेंड करूंगा करूंगी लर्निंग 25 नंबर 25 नंबर एक नंबर में आएगा 25 नंबर हाँ एक नंबर 26 नंबर किसी भी मीटिंग या अन्य कार्यक्रम में समय से 5 मिनट पहले उपस्थित रहूंगा रहूंगी ये कहाँ जाएगा लर्निंग पे ही जाएगा सर नहीं ये आदत में जाएगा ये आदत हो जाएगा आदत हो जाएगा और अगर हमने डालना भी है तो ये कहीं ना कहीं फॉलोअप में जाएगा अपने आप को फॉलो करना याद दिलाना कि 5 मिनट पहले जाना है सेल्फ फॉलो अगर डालना ही है तो ये फॉलोअप में जाएगा जी सर 26 तो नंबर 26 नंबर आ गया 3 नंबर में 3 नंबर में फॉलोअप 27 नंबर प्रतिदिन कम से कम डैश डैश टीम में नए ज्वाइन किए हुए साथियों से बात करूंगा करूंगी फॉलोअप ये फॉलोअप हो गया 27 नंबर फॉलो 28 नंबर सप्ताह में कम से कम डैश डैश वेलकम मीटिंग करूंगा करूंगी वेलकम मीटिंग करना जो है ये ग्रोथ का भी पार्ट है सर इससे बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी हाँ ये ग्रोथ ग्रोथ का ही लिखते हैं सर ग्रोथ का ही लिखते हैं 28 नंबर ग्रोथ मैं सप्ताह में 29 नंबर मैं सप्ताह 29 नंबर मैं सप्ताह में कम से कम डैश डैश होम मीटिंग करूंगा करूंगी ग्रोथ ग्रोथ 29 नंबर ग्रोथ 29 ग्रोथ ग्रोथ 39 30 प्रतिदिन क्वालिटी टीम बुक भरूंगा भरूंगी ये फॉलो अप में आएगा हैं फॉलो अप 30 ये नहीं सुनिए इसमें थोड़ा सोचते हैं प्रतिदिन क्वालिटी टीम बुक भरना खुद को आप अभी बोले थे ना सर खुद को फॉलो करने वाली बात में आ गई जैसे मीटिंग में ले आने के लिए भी फॉलो अप में हम डालेंगे सही 31 महीने में कम से कम डैश डैश बार आउट स्टेशन मीटिंग करूंगा करूंगी 31 ये हो गया ग्रोथ सर ग्रोथ 31 ग्रोथ 32 आ गया 3 में और 31 आ गया 4 में जी 32 महीने में कम से कम डैश डैश संख्या में प्रोडक्ट खरीदूंगा खरीदूंगी खरीदना सेलिंग में आ गया सेलिंग में 32 सेलिंग दो नंबर 33 प्रतिदिन कम से कम डैश डैश मिनट बुक पढ़ूंगा पढ़ूंगी लर्निंग 33 34 दिन प्रतिदिन कम से कम डैश डैश मिनट प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा देखूंगी लर्निंग 34 इज लर्निंग 35 प्रतिदिन ए पीवीएम नाश्ता करूंगा करूंगी फॉलो 35 इज फॉलो 36 मैं डैश डैश तारीख तक बिजनेस की बैग तैयार करूंगा करूंगी ये भी कहीं ना कहीं फॉलो का ही पार्ट है
36 इज फॉलोअर, 37 हर माह एक तारीख को डायमंड क्लब करूंगा करूंगी, सेलिंग सेलिंग 37 इज सेलिंग, 38 सप्ताह में कम से कम 10-10 बार अपलाइन से बात करूंगा करूंगी, लाइन से बात करना फॉलोअप हो गया सर, ये फॉलोअप ही हो गया, फॉलोअप हो गया या ग्रोथ होगा सर? अपलाइन से बात करना याद दिलाने वाली बात है सर कि भूल नहीं जाए तो फॉलोअप में आ जाएगा, ठीक सर 38 फॉलोअप, 39 संकल्प डायरी का प्रतिदिन अध्ययन करूंगा करूंगी, संकल्प डायरी को देखना ये लर्निंग तो में तो नहीं जाएगा, ये कहीं फॉलो 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 सर फॉलो जी यस 39 पॉइंट नंबर 3 फॉलो फॉलो अप हां भाई ये 40 रोज कम से कम 10-10 लोगों को कार्यशाला में बुलाऊंगा बुलाऊंगी, फॉलो 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 41 प्रतिदिन डाउनलाइन की परचेज रिपोर्ट देखूंगा देखूंगी, फॉलो 42 हमेशा ड्रेस कोड में रहूंगा रहूंगी सर, फॉलो भी हो गया सर, ये कमांड खुद को देना है, हाँ फॉलो अप 42 फॉलो अप नहीं सर सुरेंद्र सर हाँ नहीं सही है, वैसे सही तो इसको किसी में हम डालेंगे नहीं, लेकिन पांचवें से डालना है तो फॉलो अप में ही जाएगा, 43 रोजाना कम से कम 10-10 पुराने ग्राहकों का फॉलो अप करूंगा करूंगी, 42 सर 42 फॉलो और 43 अभी तो फॉलो अप में लिखे गए, हां ओके ओके थैंक यू 43 रोजाना कम से कम 10-10 पुराना ग्राहकों को फॉलो अप करूंगा करूंगी, ये फॉलो अप में जाएगा दिखाइए फॉलो 43 फॉलो अप 44 रोज रोज 10-10 बजे उठूंगा उठेंगे, फॉलो अप सर, हां फॉलो अप सर, वैसे तो ये सर, ग्रोथ है, अगर अच्छे टाइम से उठेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी हर चीज में, सेहत में ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन ग्रोथ हो जाएगा ना, फॉलो अप ग्रोथ में लिखेंगे, फॉलो अप में लिखेंगे कि ग्रोथ में लिखिए सर, ये अच्छा चीज है जैसा बोले मैं लिखे हैं, आप जो बोलेंगे वही, हाँ जी मोनाली सर जी बताओ कहाँ लिखना है, आप जो बोलेंगे सर वही लिखना है, नहीं नहीं आप बताओ सुजीत कहाँ ये करें, वो कहना हम लोग अभी थोड़ी कॉपी चोरी कर रहे हैं तो मोनालिसा जी की जो कॉपी है ना वो टेस्टेड है और अटेस्टेड भी है सर, इसको ग्रोथ में रखिए, नहीं इसको ग्रोथ में रखिए सर, दोनों में लिख लेते हैं, ग्रोथ में भी पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आराम से उठ जाएंगे जल्दी जल्दी, ये कम से कम दिन तो बड़ा हो जाता है, हाँ ये 45 महीने में कम से कम 10-10 बार वंडर वर्ल्ड वीक विजिट करूंगा करूंगी, WWQ या सेल 46 सप्ताह में कम से कम 10-10 टर्मिनेटेड आईडी से मिलूंगा मिलूंगी, फॉलो अप 46 फॉलो अप 47 महीने में कम से कम 10-10 दिन मेरे कोड पर बिलिंग होगी, सेलिंग 47 इज सेलिंग 48 सप्ताह में कम से कम 10-10 नए प्रोडक्टों का अध्ययन करूंगा करूंगी, लर्निंग 49 प्रतिदिन टीम में आने वाली नई ज्वाइनिंग की रिपोर्ट देखूंगा देखूंगी, ये फॉलोअप में आएगा सर 49 इज फॉलोअप 50 कभी उधार न दूंगा न दूंगी न उधार लूंगा न लूंगी, सीखने में आ जाएगा सर, सीखने में भी आ जाएगा ग्रोथ में भी आ जाएगा, हाँ हाँ कहाँ रखिए, उधार नहीं लूंगा तो ग्रोथ में आ जाएगा, उधार नहीं लूंगा तो भी ग्रोथ में ही आएगा, डूबेगा नहीं लर्निंग लर्निंग लिखिए इसको ना, लर्निंग है ये, ठीक सर पॉइंट नंबर सिक्स, हाँ 50 आ गया लर्निंग में, लर्निंग में 51 51 महीने में कम से कम 10-10 बार टीम के सक्रिय साथियों के साथ काउंसलिंग करूंगा करूंगी, ग्रोथ हाँ यस 51 इज ग्रोथ 52 है फॉलो भी ग्रोथ ही लिखते हैं इसको, ग्रोथ ही इसको लिखते हैं 52 प्रतिदिन अपनी समय सारणी बनाऊंगा बनाऊंगी,
ये भी फॉलोअप का ही पार्ट है सर। समय सारणी पर ग्रोथ में भी जा सकते हैं सर? समय सारणी बनाना जो है ना सर, फॉलोअप का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो नहीं पाता है जल्दी, लोगों पर सोचते रहते हैं। ठीक सर, 52 सर। अब इसको सर, अब इसमें नंबर कैसे क्या देना है इस पे सर, मेरा समझ से इसको अगर ये मेरा आइडिया है, इसके बाद जो भी अब मेरा एक सोच है, क्योंकि ये किताब जो है ना हमारा, हमारे लिए आरसीएम वाले के लिए बड़ा पीन के लिए मेरे समझ से एक गीता है जैसा। ओ भट्टू साहब जी जी, नहीं बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी अदय जी, इससे काफी मुझे लग रहा है काफी क्लियरिटी आई होगी जिन साथियों के पास में किताब होगी, उनके पास में तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। और इसका फोटो खींच के भी कुछ साथी भेज सकते हैं ग्रुपों में, ये 2-3 पेज ही होंगे, तो ये पुण्य का काम कर दीजिए कुछ साथी, 21, 22, 23, 24 4 पेज नंबर का अगर फोटो खींच के भेजेंगे तो बाकी साथी जिनके पास में किताब होगी वो टेक्निकल की मीटिंग है सर, सारे लोगों के पास होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो ले लेनी नहीं होनी है तो ले लेंगे कहीं ना अपने अपलाइन डाउनलाइन से कहीं ना कहीं से ले लेंगे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया सर, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कल की मीटिंग को ध्यान में रखेंगे। कल मीटिंग रहेगी सर, हमारे बीच में रहेंगे और ये सप्ताह हमारे लिए बहुत एकदम परीक्षा की घड़ी वाला सप्ताह है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये करेंगे, जो साथी रेगुलर स्टूडेंट हैं वही हैंड रेज करेंगे, बाकी साथी थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा अपने भावनाओं को कंट्रोल रखेंगे कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए, जब हम सीख जाएंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे। और उसमें सुजीत सर कल तो आप है ना सेशन में? कल मैं रहूँगा सर। हाँ तो आप भी थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखेंगे, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा सर, जो बोल सकते हैं उन्हीं को दूंगा आप हैंडरेस करें या ना करें नहीं नहीं हैंडरेस करें सभी साथी, फिर तो वो फिक्सिंग वाली बात हो जाएगी, फिक्सिंग मतलब करो आप, दिखनी भी चाहिए कि ये मैच फिक्स है, तो हैंड रेज तो करना है उन साथियों ने जो अच्छा करते हैं और रेगुलर स्टूडेंट हैं, और सबको उनसे सीखने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, और उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्चुअली, जब 3-4 साथियों ने जो अच्छा किया है वो अपने बताएंगे और बाकी लोग उसको सुनेंगे तो उससे अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, हम सब लोग करेंगे। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जो मैं बहुत ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और बहुत थोड़ा सा दुख भी होता है देख के, हम होशो हवास में नहीं रहते हैं सुबह के सेशन में, कभी भी नहीं रहते, वैसे तो जिंदगी में बहुत कम होशो हवास में रहते हैं, लेकिन मॉर्निंग सेशन में होशो हवास में आप रहिए। होशो हवास का मतलब क्या है कि जो कहा जा रहा है ना उसको ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए आप, जैसे सर बोल रहे हैं ना नोट कीजिए, ताकि आपका जब उत्तर देने की बारी आए तो आप पढ़ लें उसको, कई बार हम ही भूल जाते हैं, तो उसको नोट करने की आदत डालिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए जब तक दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं, ताकि आपका सही जवाब निकल के आए। ज़्यादा इरिटेशन किसी भी व्यक्ति को तब होगा सर, चूंकि बहुत डिसिप्लिन है खुद इस चीज़ में, वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो हम लोग बिल्कुल इसमें बहुत लापरवाही करते हैं। दूसरा, हम लोग सर बार बार ये बोलते हैं आपने क्या किया वो मत बताइए, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं कि डायरी से पढ़ के सुना तो फिर पढ़ के सुनाएं, हम एक्सप्लेन नहीं करें, जो चीजें बार बार रिपीट हो रही ना सर, जो चाह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, उन साथियों से तो उम्मीद की जाती है जो रेगुलर उस क्लास का हिस्सा है, वो तो कम से कम गलती ना करें, उस चीज का प्लीज आप ध्यान रखेंगे। और कल हम लोग पूरी एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में आप अपने इष्ट देवों को याद करेंगे सुबह सुबह, और कल का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, और लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो सर से हम और बहुत अच्छा सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। सो सुजीत जी, एंडिंग तो आपने ही करनी पड़ेगी। जी सर, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बस 1-2 मिनट आप रुकेंगे मीटिंग के अंदर। मुझे भी एक्चुअल में आप सभी लोगों से ये चीज़ कहना है कि देखिए, क्योंकि रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर भी हैं, और मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ, और कई बातें कि जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती होगी उनको कहाँ से अच्छी लगती होगी। जब हम ही लोग जूम मीटिंग ले रहे होते हैं और हमारे लोग वीडियो को ऑफ करके रखे रहते हैं, तो उस टाइम हमें खुद ही ऑड लगता है, देखने वाली बात ही हो जाती है।
रिस्पेक्टेड टीसी सर जैसे महान शख्सियत जब हम लोगों के बीच में होते हैं और हमें से कई साथियों की वीडियो ऑफ रहती है, देखिए उसका हमारे खुद के ऊपर क्या फायदा और नुकसान होना है वो तो एक अलग बात है। रेस्पेक्टेड सर हम लोगों को सुरेंद्र सर बताते रहे कि डुप्लीकेबल ये बिजनेस है, और आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि यदि आप में से किन्हीं साथी का वीडियो ऑफ रहता है तो उनके टीम के जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उनके भी वीडियो ऑफ ही रहते हैं ऑलमोस्ट, या तो आपके प्रेजेंस ही तय करती है कि उनका प्रेजेंस है या नहीं है, और आपका जो डिसिप्लिन होता है इस मीटिंग में शामिल होने का वो डिसिप्लिन तय करती है कि वो कितने डिसिप्लिन होकर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो हालांकि आप सारे टेक्निकल अचीवर हैं, मैं ऐसा नहीं है कि आपकी व्यस्तता हमसे छुपी हुई है, सुबह के टाइम में कहीं निकलना होता होगा या कोई ये रहता होगा, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंफर्टेबल हैं घर पे हैं तो वीडियो ऑन करके रखें, ये एक बहुत बड़ा ताकत देगा इस अभियान को और आपकी टीम को भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि अमूमन कई बार आज रेस्पेक्टेड सर सुबह बता भी रहे थे आदरणीय सुरेंद्र सर कि कई बार क्या होता है कि हमें ये लगने लग जाता है कि क्या सिखाया जाता है क्या बताया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पे देखिए मैं भी आज से नहीं जब से मैं इस बिजनेस में आया आदरणीय अवधेश सर सुरेंद्र सर से मैं लगातार सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। एजुकेशन के एक बहुत ही बड़े नाम चेहरे आज हमारे बीच में अत्री सर भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप देखिएगा कि जिन भी लोगों का आरसीएम बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुझान सीखने सिखाने पर है वो कहीं ना कहीं आपको इस मीटिंग में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नजर आते हैं। मैं देखिए आप नहीं आते हैं तो मैं आप पे कोई ना सवाल उठा रहा हूँ ना कोई उंगली करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या करना है कि देखिए चीज़ें ऐसी वैसी होती तो आज जैसे रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर रिस्पेक्टेड अत्री सर जैसे शख्सियत आपको लगातार इस अभियान को ताकत देते हुए मिलते हैं तो शायद ऐसा नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं और वो चीजें जो बताई जा रही है हमारे आपके लिए और हमारे लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, ये आज के दौर में इसको हम आवश्यक नहीं कर सकते, ये अत्यंत आवश्यक है। तो एक निवेदन है आप सभी लोगों से कि थोड़ा डिसिप्लिन वे में हम आए, अपने सीनियर साथियों के साथ आए प्रोग्राम के अंदर और डिसिप्लिन वे में चीजों को समझते हुए हम इसके ऊपर काम करें तो हम सबका भला है इसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक शॉर्ट नोटिस पे आप सारे के सारे लोग आज की इस मीटिंग में शामिल हुए और सीना तो चौड़ा हो गया आप सभी लोगों को देख के। अब बात रह जाती है ये कि सामने 1000+ हो गए सुबह में क्यों 500 हो जाते हैं, तो इसका भी जवाब हम लोगों को सुबह में देना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि कल के मॉर्निंग के बॉक्स को हम लोग फुल करें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोग आए, सारे सीनियर कोर साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ। मिलते हैं कल 7:55 से पहले, बहुत बहुत धन्यवाद।